हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम एवरीवन। मैं पाल बी बसनायक, यांस इंटरनेशनल और आईडीनेट इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज की जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है और साथ में कुछ एक्सपर्ट की आपको एडवाइस मिलेंगी और बहुत सारे लोगों की शेयरिंग मिलेंगी, इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और ख़ास तौर से हमारे गेस्ट का जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम है बहुत ही पावरफुल एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप कितना सीरियसली अगले एक घंटे में लेते हैं। तो आप अगले एक घंटे तक बने रहिए और इस अपॉर्चुनिटी को वॉच कीजिए। हमारा आईडीनेट सिस्टम जो कि एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, कामयाब होने के लिए एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और इस सिस्टम में हम आप सभी को एक डायमंड की तरह, अनमोल एक डायमंड की तरह, बहुत बड़ी वैल्यू है हमारी, हम सब की। हम सब डायमंड की तरह हैं। बस जैसे कहते हैं ना, डायमंड की एक खासियत है कि जब तक तराशो नहीं डायमंड को तो उसकी वैल्यू नहीं बनती है। तो सेम स्टोरी है यहाँ पर कि यू आर अ डायमंड। हमें यकीन है आप एक डायमंड हैं, बट आपको सीखना, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन अगर मिलती रहे और आप लेते रहें तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे बताया, मेरा नाम पाल बी बसनायक, मैं 18 साल से इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं और बहुत सारी उपलब्धियां हैं इस इंडस्ट्री से। आज एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी इस अपॉर्चुनिटी से मुझे मिली है, यांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। और जितने भी दोस्त पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना है हमें, क्या आपकी ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई प्लान है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़िंदगी में। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और ख़ुद भी नहीं पूछ पाते हैं अपने आप से, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ आपको कि क्या ज़िंदगी में आपके पास अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने का कोई प्लान है? अगर नहीं है तो दोस्तों, आज हम आपको एक प्लान देने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो हम सब लोग इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हेल्प करते हैं कि लोग अपने आप को पहचानें, अपनी ज़रूरत को पहचानें, अपनी ख्वाहिशों को पहचानें और अपने सपनों को पहचानें। तो आप देख सकते हैं कुछ खास वजह, कुछ खास कारण है कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं यांस इंटरनेशनल बिजनेस में, उसकी कुछ वजह हमने मेंशन की गई है। स्वस्थ रहने के लिए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। हमारे साथ में लोग वो जुड़ते हैं जो नौकरी कर करके परेशान हैं और उनको अपनी नौकरी में कहीं फ्यूचर नज़र नहीं आता है। हमारे साथ वो लोग जुड़ते हैं जो ज़िंदगी में बिजनेस करना चाहते थे लेकिन उनको कहीं समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ आज उनको दिखाई देता है कि एक शानदार बिजनेस करने का मौका है हमारे साथ में। वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं दोस्तों। और फिर बात करते हैं कि हमारे साथ वो लोग जुड़ते हैं जो किसी दुख सुख की वजह से कर्जे में आ गए हैं और काफ़ी टाइम से कर्जा मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और कुछ ऐसा इनकम की जुगाड़ में लगे हुए हैं जहाँ से वो कर्जा मुक्त हो सकें। ऐसे लोग हमारे साथ काम करते हैं। ऐसे लोग काम करते हैं दोस्तों जिनको टेंशन है अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए। उनको दिखाई दे रहा है कि अगले वाले 2, 4, 5, 10 साल में बहुत पैसे चाहिए और जो काम कर रहे हैं उस काम में इतने चांसेस नहीं है। अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों को पढ़ाना है, बहुत पैसे चाहिए। ऐसे ही अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नई कार खरीदना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और कुछ लोगों का सपना होता है विदेश घूमने का, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारी पूरी दुनिया घूमने का मौका देती है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि 47 इंटरनेशनल टूर मुझे इस बिजनेस से मिल चुके हैं फ्री में। सोचिए, 47 इंटरनेशनल टूर आपको भी मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो फैमिली को ज़्यादा समय देने का मौका है और साथ में समाज सेवा एक अच्छा काम है जिसमें आप लोगों की भलाई करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और दो काम हो जाते हैं, कर भला हो भला। तो आप देख दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि
लोग इस काम को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आने के लिए ये जो 9 बातें बताई मैंने, यही क्वालिफिकेशन है, यही वो कुछ कारण है जिसके वजह से आप इस बिजनेस में आप आते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, इस बिजनेस की क्वालिटी ऐसी है कि इस बिजनेस में जिन लोगों के कारण होते हैं, रीजन होते हैं, वजह होती है, जिंदगी में कुछ करना है तो क्यों करना है, अगर ये कारण है तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है। तो आप देखिएगा आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आपको पता चलेगा कि इस अपॉर्चुनिटी में ऐसी क्या शक्ति, ऐसी क्या पावर है कि जिसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी से ये 9 के 9 में से कोई भी रीजन, कोई एक कारण तो आपका बहुत स्ट्रांग होगा। आपको दुनिया घूमनी है, विदेश यात्राएं करनी है, आपको कर्जा मुक्त होना है, आपको नई गाड़ी खरीदनी है, या फिर आपको अपने बच्चों का सोच है, आपकी चिंता है या कुछ सालों बाद हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छे कॉलेज में डालना है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, कैसी होगी, आपको ये बात आपको सताती है दिन रात, है ना। अगर इस तरह की चिंता आपकी जिंदगी में चल रही है और आप किसी सॉलिड चीज के चक्कर में घूम रहे हो, जिंदगी में कुछ ऐसी चीज मिल जाए या जहाँ पे ना मेरे भी सपने पूरे हो जाए और मेरे खानदान, मेरे परिवार के भी, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें आपके पास में एक संभावना हो, चांसेस हो, जहाँ पे आप कामयाब हो सकते हो। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज जो अपॉर्चुनिटी है जिसने मुझे 18 साल पहले मिली थी, मुझे अपॉर्चुनिटी 18 साल पहले मैं सपने में नहीं सोच सकता था जो जिंदगी मुझे दे चुकी है अपॉर्चुनिटी। और अभी तो मैं बोलता हूँ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, आगे की फ्यूचर को देखकर, आगे की बातों को सोचकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। और वही बात सोचता है आज जो हमारे गेस्ट पहली बार आए हैं और जो भी हमारे लीडर्स हैं हमारे बीच में, उनके साथ भी हो। तो दोस्तों आपने इनमें से कोई ना कोई कारण होगा आपकी जिंदगी में भी जिसकी वजह से आप कुछ करना चाहते हो, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना भी होगा, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा आपको, ये 21वीं शताब्दी का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। आज पूरी दुनिया में आम लोग अपनी जिंदगी को, ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हैं। पूरी दुनिया में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी काम ने बनाया है तो उस इंडस्ट्री का नाम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। अब सोचिए 13,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है पिछले साल की, पिछले एक साल में 13,50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ इस इंडस्ट्री में और करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। और अच्छी बात यह है पूरी दुनिया में 200 देशों में हिंदुस्तान भी अभी 15वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसका मतलब पूरी दुनिया में तो इसकी पहचान है ही है, बहुत पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त धूम है, लेकिन हिंदुस्तान में भी इसकी हवा शुरू हो चुकी है। जो अभी जाग गए, हम लोग आज से 15 साल पहले जाग गए थे तो हम अभी मजे ले रहे हैं और आगे और मजे लेने वाले हैं, लेकिन जो आज जाग गया वो भी मजे लेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों देर कभी नहीं से देर भली, कहते ना नेवर बेटर देन नेवर, लेट बेटर देन नेवर, देर भली कभी नहीं से। तो लग जाइए, आ जाइए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। और आज की डेट में सबसे अच्छी बात यह है, हम जैसे आम आदमी, हम जैसे ऐसे लोग जो नौकरी करने की सोचते थे जिंदगी में, जिनको ये पता था कि हमारी जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, बड़े बड़े सपने तो दूर की बात है, छोटे छोटे सपने देखना भी हमें पाप लगता था, ऐसा लगता था भाई साहब कोई जरूरत ही नहीं है देखने की, ये सपने पूरे तो होने वाले नहीं है। आज हम बड़े बड़े सपने देख सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं, अच्छी सेहत बना सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जैसा सपना आप देखते हैं वो सपने को पूरा करने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और अच्छी बात यह है कि एक लीगल इंडस्ट्री है, लीगल बिजनेस है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, पूरी दुनिया में स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जबरदस्त एक खींचे वाली इंडस्ट्री ये है आज की डेट में। बस इस इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, वो क्या है कि इस इंडस्ट्री में जब आप आते हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो दोस्तों 4 P का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है अपने बेस्ट बेहतरीन फ्यूचर बनाने के लिए। अगर आप अपना शानदार फ्यूचर बनाना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, 4 P, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी और पे आउट ऑफ द कंपनी, अगर ये चारों चीजें स्ट्रांग है तो आपका आपके बाद आपके बच्चों का बेड़ा पार होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी भी एड़ा गेड़ा नच्छू खेड़ा कंपनी में जुड़ गए, क्योंकि हर साल 2 साल 3 साल में कंपनियां बंद हो जाती हैं, ना जाने मेरे सामने पिछले 18 साल में हजारों कंपनियां खुली हैं हिंदुस्तान में और हजारों कंपनियां बंद हुई हैं, तो गलती से भी ऐसी कंपनी के साथ मत जुड़ना जिसने 1 साल 2 साल 3 साल किए हों। ऐसी जिंदगी में पता नहीं है आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो कोई भी कंपनी हो सकती है वो। तो दोस्तों जिंदगी में ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बार बार ट्राई मारने की जरूरत नहीं है,
और आपका जिंदगी में इतना टाइम नहीं है तो एक्सपेरिमेंट मारने के लिए, इसलिए वेल एस्टेब्लिश कंपनी के साथ काम कीजिए जिसके पास में प्रोडक्ट अच्छे हो, प्लान अच्छा हो। और आप देखिए ये कंपनी टियांज इंटरनेशनल जिसमें मैं 18 साल पहले जुड़ा था, और मुझे आज प्राउड फील होता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरा डिसीजन बेस्ट था। 1037 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही शानदार हेडक्वार्टर इस कंपनी का। इस कंपनी के फाउंडर की फिलॉसफी देखिए, एक ही सपना है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वसुदेव जी कुटुंबकम। और पिछले 25 साल से इंटरनेशनल ब्रांड जो कि 190 देशों में और रीजन के अंदर फैला हुआ है। आज लगभग 4 करोड़ फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, मोर देन 4 करोड़ फैमिलीज हमारे साथ काम कर रही है। आप सोचिए पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। टियांज आज की डेट में एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, पूरी दुनिया में इसकी धाक है। और इस कंपनी के जो फाउंडर है दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें से एक शख्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मजबूत कंपनी है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस कंपनी का बैकग्राउंड देख सकते हो, इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हो, टियांज की इंटरनेशनल R&D सेंटर्स, कंपनी के खुद के हॉस्पिटल, कंपनी के खुद के लग्जरी होटल, एक से एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ में कंपनी। और पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इस कंपनी की है जिसकी दुनिया भर की दर्जन यूनिवर्सिटी के साथ में साझेदारी है। अच्छी बात यह है हिंदुस्तान की KR मंगलम यूनिवर्सिटी और साथ में भारत में MET यूनिवर्सिटी के साथ में इस कंपनी के यूनिवर्सिटी का टाई अप है। आप समझ सकते हो इस कंपनी को यूनाइटेड नेशंस में एज ए रिकॉग्निशन अपना फ्लैग दिया हुआ, अपना झंडा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कंपनी की क्या पावर है, क्या झंडा 24 घंटे प्रांगण में इस कंपनी के हेडक्वार्टर में फहरा रहा है। राइट दोस्तों, आप देख सकते हैं दुनिया के बड़े बड़े लीडर इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इस कंपनी के फाउंडर CEO मेंबर हैं WFDSA के, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्टरिंग एसोसिएशन, और हम लोग IDSA के भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर हैं हिंदुस्तान में। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 2000 करोड़ से चैरिटी कर चुकी कंपनी, 2000 करोड़ से ज्यादा की पूरी दुनिया में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंपनी का नाम आ चुका है ऑलरेडी। सोचिए जी न्यूज में इसका पूरा रिपोर्ट आई थी, ये लेटेस्ट इस साल न्यूयॉर्क में नास्डेक का सीन आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट है नास्डेक अमेरिका के अंदर, वहां पर फुल डे का एड था ये कंपनी का। आप देख सकते हो हजारों सर्टिफिकेट और अवार्ड इस कंपनी को मिल चुके हैं पूरी दुनिया से। और अच्छी बात यह है कि कंपनी हिंदुस्तान में पिछले 18 साल से काम कर रही है, 100 से भी ज्यादा हमारे स्टोर हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे हिंदुस्तान में हम फैले हुए हैं। आज लाखों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया के तहत हम वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं। लगभग 80% से ज्यादा प्रोडक्ट हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कंपनी के कुछ ऑफिस हैं, ब्रांचेस के कुछ आप देख सकते हैं, कुछ पिक्स हैं ये आप देख सकते हैं। ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश है इंडिया में, इंडिया में ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग काम कर रही है पिछले 25 साल से पूरी दुनिया में, पिछले 18 साल से हिंदुस्तान में जबरदस्त धूम मचा रखा है टियांज में। उसकी वजह है इस कंपनी के पास एक से एक शानदार प्रोडक्ट है। और ये देख सकते हैं कंपनी के 1200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिसमें से 45 प्रोडक्ट को हिंदुस्तान में लॉन्च किया है। बहुत ही यूनिक क्वालिटी की मशीनें हैं जो हजारों साल पुरानी एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर साइंस की बेस्ड है। इसके अलावा यूनिक न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट हैं और बहुत ही यूनिक हाई क्वालिटी के हमारे पास पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जरूरत इसलिए है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं, दवाइयों पे जी रहे हैं, 80% लोगों को कोई ना कोई दिक्कत है, फिट नहीं है। ये WHO का रिपोर्ट है, क्योंकि खाना ठीक नहीं है, पीना ठीक नहीं है, हवा पानी ठीक नहीं है, फर्टिलाइजर बहुत यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बहुत यूज हो रहा है, रेडिएशन चारों तरफ फैल रही है, बीमारियां बढ़ रही है। आप समझ सकते हो कि दिक्कत जो है, इसीलिए कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा अटैक किया है इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर, तो इसीलिए पूरी दुनिया ठप हो गई पिछले 1 साल से। क्यों हुई? क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है लोगों की। अगर सबकी हेल्थ अच्छी होती तो पूरी दुनिया की मार्केट कभी लॉकडाउन नहीं होती। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि आने वाले समय में हेल्थ इंडस्ट्री में जबरदस्त फ्यूचर है। अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एवर ग्रीन इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री में अपना बिजनेस कीजिए। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, 22 डिफॉल्ट में आज हेल्थ इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहा हूँ। तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है, इतनी सारी चीजें खाना आसान नहीं है, इसीलिए हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं आज लोग यूज करते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें ये कॉर्डिसेप्स है, नंबर वन प्रोडक्ट है इस कंपनी का, हिमालयन गोल्ड कहा जाता है इसको, कॉर्डिसेप्स को, चमत्कारिक जड़ी बूटी है ये, 1 किलोग्राम गोल्ड इक्वल टू 1 किलोग्राम कॉर्डिसेप्स, कितना महंगा सप्लीमेंट है ये, इतनी महंगी जड़ी बूटी है क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसने धाक जमा दी है। ये इम्यून सिस्टम के लिए शानदार है, नंबर वन, हार्ट के लिए जबरदस्त, लंग्स के लिए सांस से रिलेटेड इश्यू है,
आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्ट की समस्या है, लंग्स में सांस लेने में तकलीफ है, लीवर में खाया पिया हजम नहीं होता है, वेट की प्रॉब्लम है और समय से पहले बुढ़ापा नजर आ रहा है, वो हर जगह काम करेगा। किडनी में आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपका स्टेमिना जबरदस्त हो जाएगा। वाइटिलिटी, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनका बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी फेल मेल फीमेल के लिए ये रामबाण औषधि का काम करता है। तो जबरदस्त सप्लीमेंट है, इसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस सप्लीमेंट को आप यूज करिए, हर आदमी को यूज करना चाहिए आज की डेट में कॉर्डिसेप्स को, क्योंकि ये जिंदगी को बदलने वाली जड़ी बूटी है और सिर्फ त्यांश के पास है ये। इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि त्यांश का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, त्यांश के पास यूनिक प्रोडक्ट है जिसके साथ काम कर रही है। पूरी दुनिया में नंबर वन शेड्यूल लेना, जो कि हमारा अंतरिक्ष यात्री को सप्लाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस ने हमारी कंपनी को बकायदा बेस्ट सप्लायर फॉर द यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड दिया हुआ, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हमारे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इसीलिए हमें झंडा मिला है यूनाइटेड नेशंस का। एक कैप्सूल में 1 किलोग्राम सब्जी जितनी ताकत है, सोचिए अगर 2 कैप्सूल सुबह 2 दिन को 2 शाम को खा लिया तो आपकी सेहत अच्छी होगी कि नहीं होगी? आपकी सेहत जबरदस्त हो जाएगी। चेहरे में लगाओगे, बॉडी में लगाओगे तो पिंपल्स, एक्ने, दाने वगैरह होते हैं सब खत्म हो जाएंगे। और अगर आपने खा लिया तो पूरी बॉडी के लिए जबरदस्त काम करेगा, पूरी बॉडी को स्ट्रांग कर देगा। आप समझ सकते हो, पालक से 5000 गुना और गाजर से 1000 गुना, दूध से 500 गुना, सोयाबीन से 300 गुना और फलों और सब्जियों से 10 गुना ज्यादा इसमें इंग्रेडिएंट है जो हमारे शरीर को चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा तीसरा फ्लोर पूरी दुनिया में फेमस है, चीटोसन। ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपके शरीर से हैवी मेटल को निकाल देगा जो हवा से, पानी से और खाने से बॉडी में चले जाते हैं, जिससे भयंकर बीमारी हो जाती है शरीर में। उसके लिए चीटोसन है। लीवर के लिए बहुत जबरदस्त है, जिनको बार बार अल्कोहल पीने की वजह से लीवर खराब हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए चीटोसन मस्त है और साथ में वजन को बैलेंस करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए शानदार है। आपने देखा ये प्रोडक्ट है हमारे सप्लीमेंट की कैटेगरी में आ गए ये प्रोडक्ट। और फिर देखते हैं पूरी दुनिया में हार्ट के लिए हमारे पास ओमेगा है। पूरी दुनिया में जिमनेमा, जो कि डायबिटीज के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायबिटीज है, ऐसे ही मल्टीविटामिन, इसकी कमी हो जाए तो कितनी बीमारी हो जाती है आप देखिए स्किन में। 26 बीमारी तो लिखी है विटामिन की कमी से, तो इसीलिए विटामिन लेना बहुत जरूरी है। डेली 1 विटामिन लीजिए आप, चांस का वर्ल्ड का बेस्ट विटामिन। ऐसे ही डेली जिंक लेने की जरूरत है। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिंक की सेल हुई है पूरी दुनिया में, क्योंकि जिंक को इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और जिंक की वजह से ग्रोथ होती है बच्चों की। आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है और पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आयरन, खून की कमी दूर करता है आयरन, इसलिए रेगुलर लेना चाहिए, खून की कमी ना हो शरीर में, उसकी कमी से बीमारियां होती हैं। आपका पेट अच्छा है उसके लिए एफओएस पाउडर है। हमारी बॉडी बनी है प्रोटीन से, हम खाना खाते हैं उसमें ढंग का प्रोटीन नहीं मिल पाता हमारी बॉडी को, इसलिए अलग से प्रोटीन लेना चाहिए बड़ों को भी। और ये बच्चों के लिए प्रोग्रेस के रूप में है। और इसी तरीके से बात करते हैं तो ये डायबिटीज के लिए कंपनी ने स्पेशल प्रोटीन बनाया हुआ, डायबिटिक प्रोटीन। आप देख सकते हैं त्यांश का हाई फाइबर, सलाद नहीं खा पाते हो तो हाई फाइबर को यूज करिए डेली। और ओपीसी और टी पॉली करके 2 और सप्लीमेंट हैं जो आपको एनर्जी भी देते हैं, आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं और बॉडी में जितनी भी गंदगी जा रही है उनको साफ करने का काम भी करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड क्लास हमारे पास टूथपेस्ट है, वर्ल्ड क्लास हमारे पास में आंवला और नीम से बना हुआ ऑयल है, बेस्ट क्वालिटी का आज की डेट में मार्केट में। और शैम्पू विद कंडीशनर है, एलोवेरा से बना हुआ हमारे पास नाना हैंड वॉश है। और इसके बाद बात करते हैं हम आपसे तो बहुत ही हाई क्वालिटी का हमारे पास सोप है, जबरदस्त ये सोप है, बाथिंग सोप। एक बार स्किन में यूज कर लिया, ये आपकी स्किन की पीएच वैल्यू के बराबर इसकी पीएच वैल्यू है। तो ये कोई ऐसा आम साबुन नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास और बेस्ट क्वालिटी का साबुन है आपके शरीर के लिए। डिश वॉश, इसके अलावा ये हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट सैनिटरी पैड, हमारी कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं है। पिछले 10 साल में करोड़ों बहन बेटियों की जिंदगी को इस नैपकिन ने बचाया है, खतरनाक से खतरनाक बीमारी हमारी बहन बेटियों को हो रही है आज की डेट में। 10-12 साल से लेकर 40-50 साल तक बहन बेटियां यूज करती है हर महीने नैपकिन। घटिया क्वालिटी के नैपकिन से बचने का एक ही तरीका है, वर्ल्ड का बेस्ट नैपकिन यूज करिए जिसका नाम है एरीज। एरीज कियांस का ब्रांड है ये, राइट? आप समझ सकते हो 10-15 हजार नैपकिन यूज करती है हमारी बहन बेटियां और बहुत बड़ा मार्केट है फ्यूचर में इसका। और देख सकते हैं आप कितना घटिया क्वालिटी का मटेरियल मार्केट में है, जिसकी वजह से सैकड़ों बीमारियां हमारी बहन बेटियों को हो रही है आज डेट में। आपने देखा होगा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी भयंकर प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, ईटिंग की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ना जाने
बेबी कंसीव नहीं हो रहा है हमारी बहन बेटियों को, क्यों? घटिया क्वालिटी का नेपकिन यूज करने से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, और 70% से ज्यादा महिलाएं जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है उसकी वजह क्या है? घटिया क्वालिटी का नेपकिन यूज कर रही हैं। तो आज के बाद आपने उन नेपकिन को नहीं यूज करना है, मार्केट के नेपकिन को आपने वर्ल्ड का बेस्ट नेपकिन यूज करना है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप लगा हुआ है, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट चिप माना जाता है। और बाकी इन्फेक्शन टेस्ट कार्ड फ्री में मिल रहा है आपको, हर पैकेट के अंदर अपने इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्ड, अपने इन्फेक्शन को चेक करने का कार्ड इसमें है। आप इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं आपके बॉडी में कितने इन्फेक्शन है या नहीं है, और साथ में अगर इस नेपकिन को यूज करोगे तो छोटे मोटे इन्फेक्शन तो वैसे ठीक हो जाते हैं, बड़े इन्फेक्शन को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। बाद में डॉक्टर बोलेगा आप कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास है पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में कोई टक्कर नहीं है इस कंपनी का, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन कियान्स का जो है वर्ल्ड का बेस्ट। हमारी कॉपी बहुत लोगों ने की, नेपकिन की भी कॉपी की, बीसीएम की भी कॉपी की, आज तक कोई सिंगल आदमी नहीं है, सिंगल कंपनी नहीं है जो हमारे आसपास भी आई हो। वर्ल्ड का बेस्ट हमारा ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है। इसके ऊपर आप देखिए पांव, देखिए पांव के ऊपर एक्यूप्रेशर के 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, स्पाइरल हेलिकल वाइब्रेशन है, पेचदार कुंडलीकार कंपन है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। 15 मिनट खड़े होंगे ना, मतलब है 5 किलोमीटर की जॉगिंग के बराबर फायदा, या 2 घंटे की एक्सरसाइज जितना फायदा। जितने भी एनर्जी चैनल है हमारी बॉडी के, ब्लड सर्कुलेशन जहां जहां रुक गया है, जहां जहां गंदगी है, सबको चैनल को खोल देता है, एक्यूप्रेशर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी में सारी गंदगी निकाल देगा, ना जाने कितनी सारी बीमारियां जो होनी थी हम उससे बच सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त मशीन है, आप देख सकते हैं 25 पॉइंट लिखे हुए, कौन कौन से स्पेशल पॉइंट हैं, जिस पॉइंट को दबाओ इस पॉइंट से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, ऐसे सैकड़ों फायदे इस मशीन की देन है। आप खड़े होकर यूज कर लो, आप इस मशीन को बैठ के यूज कर लो, इस मशीन को आप लेट के यूज कर लो, जैसा मन करे आप जैसे यूज कर लो। वजन घटाना है, घुटनों का दर्द है, पीठ दर्द है, पैरालिसिस है, बॉडी सुन हो रही है और शोल्डर जाम हो गए हैं, स्टिफनेस है, नींद नहीं आती है, माइग्रेन की शिकायत है, शैटिका की प्रॉब्लम है, गठिया कब्ज थकान रहती है, डायबिटीज रहती है, आंख की तकलीफ है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हर जगह पर इस मशीन का कोई जवाब ही नहीं है। आप देख सकते हो अगर पूरे परिवार में अगर आ गई मशीन, पूरे परिवार के लिए मिनी हॉस्पिटल का काम करेगी ये। आप सोचिए, ना जाने हजारों लाखों रुपए आप बचा सकते हो, और अपनी अनमोल जिंदगी को बचा सकते हो, और अपनी फैमिली की हेल्थ अच्छी कर सकते हो। एक से एक प्रोडक्ट है कियान्स के पास। ऐसे ही हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, आपके उल्टे हाथ को चेक करके बताएगा क्या बीमारी आपकी बॉडी में, कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ बीमारी है, कहाँ टॉक्सिन्स हैं, इस मशीन से पता लग जाएगा उल्टे हाथ को चेक करके। और इसी मशीन से आप अपने आप को रिलीफ भी दिला सकते हो, इसी मशीन से आराम भी मिलेगा, पता भी लगेगा, आराम भी मिलेगा। पूरी दुनिया में इसको पेटेंट किया हुआ, पूरी दुनिया में FDA ने इसको अप्रूव किया हुआ, तो आप समझ सकते हो अमेजिंग प्रोडक्ट है कियान्स के पास में। ऐसे बीपी के लिए एक हाइपर मल्टीफंक्शनल मसाजर मशीन है, अगर आपको रेडिएशन से बचाना है अपने आप को, चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन है, एनर्जी चाहिए बॉडी में, तो ऐसे ब्रेसलेट पहन के रखो अपने पास आप हमेशा, ऐसे ही आपके पेंडेंट लगा के रखो, मैंने पेंडेंट लगाया हुआ, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। हाइड्रोजन ग्लास का पानी पीजिए, ये ग्लास है, इसके पानी को पीने से आपको क्या होगा, आपके बॉडी में से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है इस टेक्नोलॉजी को, 100 से ज्यादा साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है हाइड्रोजन के ऊपर, हार्ट डिजीज से लेकर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से लेकर अल्जाइमर से लेकर डायबिटीज से लेकर स्ट्रोक से लेकर कैंसर तक यहाँ तक काम कर रहा है हाइड्रोजन। सोचिए आप कितने अमेजिंग प्रोडक्ट है कियान्स के पास में। हम बहुत लकी हैं, एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट कंपनी के पास में। फ्रिज को प्योरीफाई करने के लिए, वायरस और बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए आपके फ्रिज को, ये फ्रिज प्योरीफाइड हमारी कंपनी का। ये कुशन है हमारे पास में, बेल्ट है हमारे पास में, मैट्रेस है हमारे पास में, और एयर प्योरीफायर है हमारे पास में। तो ये ग्रीन थेरेपी वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो आप समझ सकते हो इस कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो आपको दूसरी किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में नहीं मिलेंगे। मार्केट में कोई कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पास में ये प्रोडक्ट हैं। हमारे पास जितनी भी मशीनें हैं, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर और जो आज की मॉडर्न साइंस है ना, उनसे बनाया गया इन मशीनों को। तो हमारी कंपनी के पास जो मशीनें हैं यूनिक हैं, हमारी कंपनी के पास जो सप्लीमेंट है वो यूनिक है, हमारी कंपनी के पास जो पर्सनल केयर और होम केयर की रेंज है ना, वो भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट है। तो आप सोचिए, यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड।
तो कंपनी जबरदस्त है और कंपनी आपको पार्टनर बना रही है, तो आपकी कंपनी आप उसके मालिक बनने जा रहे हो। सोचिए, ये बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस है। इतनी बड़ी कंपनी ने आपको मालिक बनाने के लिए ऑफर दिया है। आज मालिक बनने के लिए तैयार हैं आप? पार्टनर बनना चाहेंगे? मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का पार्टनर बनना चाहेंगे आप? मैं आज से 18 साल पहले बन गया इस कंपनी का पार्टनर। आज मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे परिवार की जिंदगी बदल गई। मैं भविष्य के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने सही कंपनी पकड़ ली, सही लोग पकड़ लिए, सही लोगों के साथ काम किया। कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है। इसके बाद में पैसे कैसे आते हैं वो बताता हूँ, और फिर मैं बताऊंगा ये जो टीम है, IDNet सिस्टम है, इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क का जो टीम वर्क है, सुपर डुपर, वी आर अमंग द बेस्ट। हम वन ऑफ द बेस्ट टीम है हिंदुस्तान में आज की डेट में। तो अगर आप इस सिस्टम में जुड़ते हैं तो आपके पास अपनी लाइफ को बेटर करने का बहुत शानदार मौका है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि प्लान ऑफ द कंपनी और पे ऑफ द कंपनी क्यों स्पेशल है, क्यांस का क्यों यूनिक है। क्यांस का जो प्लान है वो 3-in-1 है। हाइब्रिड बाइनरी प्लान है हमारे पास, यूनि लेवल प्लान है और जनरेशन प्लान है। और खास बात क्या है, हर हफ्ते पे आउट होता है, हर हफ्ते पेमेंट बनती है आपकी। हर महीने की 10 तारीख को, 16 तारीख को और 30 तारीख को महीने में तीन तीन बार पैसे आते हैं अकाउंट में। सोचिए, अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करके आने वाले टाइम में महीने में तीन तीन बार पेमेंट आएगी आपके अकाउंट में, कैसा मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो कैसे आएगा, हम उधर ही चलते हैं, आगे भी चलते हैं, राइट। आप देख सकते हैं एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है दूसरों की नौकरी करना या फिर खुद की नौकरी। कोई दुकान खोल दी, जब दुकान खोलेंगे तो पैसे आएंगे, दुकान बंद पैसे बंद, इसको बोलते हैं खुद की नौकरी। दूसरों की तो दूसरों की होती है, मतलब जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बट पैसिव इनकम का मतलब है खुद का बॉस, खुद का बिजनेस। खुद भी काम करते हैं अमीर लोग और लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। अमीर लोगों का फॉर्मूला है, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं। अमीर लोग खुद भी काम करते हैं और लोगों के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, दुनिया भर की कंपनियों के जो मालिक है ना, उनको ये बात पता थी। आज इसीलिए वो कंपनियों के मालिक बन गए हैं, बॉस बन गए हैं, बिजनेस के ओनर बन गए हैं। आज आपके पास भी मौका है वही लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री होके। जबकि इन सब बिजनेस में जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लाइबिलिटी भी है, रिस्क भी है और टेंशन भी है। लेकिन जो आज बिजनेस में आपको बताने के लिए आया हूँ, उसमें तो ना ही टेंशन है ना रिस्क है। अपना नेटवर्क बनाओ अमीरों की तरह, अपना नेटवर्क बनाइए, क्योंकि आप तो बिजनेस करने जा रहे हो ना। अनगिनत लोगों को रिकमेंड करिए और सेलिब्रिटी की तरह एंजॉय कीजिए। बचपन से लेकर मरते दम तक हम लोगों को अच्छी चीज की सलाह देते हैं, ये टीवी अच्छा है, फ्रिज अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, कपड़े जूते, ना जाने क्या क्या रिकमेंड करते हैं। ये मिडिल मैन अमीर हो जाते हैं, बीच वाले लोग अमीर हो जाते हैं। बचपन से लेकर मरते दम तक हम लाखों करोड़ रुपए का माल बिकवा देते हैं लोगों का, हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज के बाद क्यांस की नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में जैसे भी आएंगे, तो ब्रॉन्ज से शुरू करो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कहीं से भी शुरू करो, आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बोला गया है यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करो और रिकमेंडेशन का बिजनेस करो, लोगों को सलाह दो, जैसे पहले भी दे रहे थे आप। पहले कुछ मिल नहीं रहा था, मिलेगा, और साथ में अपना बिजनेस खड़ा करो। डिजिटल बिजनेस है ये, क्यांस का डिजिटल बिजनेस कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, इसी से आप जिंदगी बदल सकते हो। इस मोबाइल फोन से ही आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 18 साल की उम्र होनी चाहिए, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी भी है। सोचिए, इस प्रोग्राम के खत्म होते ही इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। आप शुरू कैसे करें, कितने पैसे चाहिए, क्या पैसे कुछ ज्यादा तो नहीं लगाने पड़ेंगे, लाखों करोड़ रुपया? नहीं जी। अच्छा, करना क्या है, आप किसी भी कार से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना, बीवी मतलब बोनस वॉल्यूम। अगर आपने 100 बीवी का शॉपिंग किया, क्योंकि जो बीवी होता है उसी पे ही हमें बोनस मिलता है, तो 100 बीवी की शॉपिंग की आपने, 100 बीवी की शॉपिंग का मतलब होता है 10,000 रुपए की शॉपिंग, आप हो जाएंगे 3-स्टार ब्रॉन्ज कार्ड आपके पास हो जाएगा। अगर आपने 200 बीवी परचेज कर लिया, सीधा 200 बीवी वीजा का सामान या 100-100 करके दो बार में, आप 4-स्टार सिल्वर। आपने 400 बीवी का शॉपिंग किया, 40,000 की शॉपिंग की, सीधा आपने 40,000 के आसपास की शॉपिंग की, 400 बीवी की, या फिर आपने 100-100 की चार बार कर ली। जिंदगी में एक बार गोल्ड बनना है, जिंदगी में आपने गोल्ड खुद का भी किया और ए और बी दो लोगों को बाहर से पकड़ लिया, या ए और बी भी आपने खुद ही कर लिया गोल्ड, तो तीनों गोल्ड आपने एक सेकंड में कर लिए, एक सेकंड में आप प्लेटिनम बन गए। तो आपकी मर्जी है,
एक सेकंड में बनो, एक दिन में बनो, एक हफ्ते में बनो, महीने में बनो, जब मर्जी बनो। खुद का गोल्ड करो, नीचे दो गोल्ड कर दो, या अपने करो या बाहर के करो, आप प्लेटिनम बन जाओगे। 5-star प्लेटिनम प्रीमियम का जिंदगी भर के लिए सबसे ज्यादा मार्जिन कहां पर है? प्लेटिनम पे। तो देखते हैं कैसे। पहली इनकम है रिटेल सेविंग, जो आप घर में शॉपिंग करते हो वो आपकी बचत है। देखिए आप ब्रॉन्ज पे कुछ बचत है, 3 खास बेनिफिट है। पहला, दूसरा, तीसरा, एमआरपी जीपी का डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, कैशबैक अकाउंट में आएगा वापस। ठीक है, ये तीनों बेनिफिट किसको आते हैं? देखिए ब्रॉन्ज को सिर्फ 1 बेनिफिट आएगा, सिल्वर को 3 बेनिफिट आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा गोल्ड में है, गोल्ड से ज्यादा प्लेटिनम में है तीनों बेनिफिट। तो सबसे ज्यादा मार्जिन कहां पर है? प्लेटिनम में। रिटेल सेविंग सबसे ज्यादा कहां कर सकते हो आप? प्लेटिनम पे। जल्दी से जल्दी हमको प्लेटिनम पे जाना है, या ब्रॉन्ज से करो शुरू, धीरे धीरे सिल्वर बन जाओ, गोल्ड बन जाओ, सिर्फ प्लेटिनम बन जाओगे धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं टूथपेस्ट, प्लेटिनम का 117 रुपए का पड़ता है, आप रिटेलिंग कर सकते हो 186 रुपए में, बढ़िया है ना। ऐसे ही नेट नाइट पैड है, आपका 100 रुपए का पड़ सकता है प्लेटिनम में, 160 रुपए की रिटेलिंग कर सकते हो, बढ़िया वाली कमाई है, हर रोज बढ़िया सफाई कर सकते हैं आप प्लेटिनम पे। ब्रेसलेट 4.5 हजार का है, 6 हजार के आसपास में आप रिटेल कर सकते हो, कितना अच्छा मार्जिन है। ये एग्जांपल दिया है, रिटेल सेविंग भी है, खुद के लिए खरीदोगे तो बचत है, अगर रिटेल करोगे तो कमाई है, मोटी कमाई है, बहुत अच्छी कमाई है। पहली इनकम। दूसरी इनकम है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, जितने चाहो उतने लोगों को आप जोड़ सकते हो, डेली वर्किंग है, जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी काम करो, उतने पैसे आएंगे आपके घर में, बढ़िया है कि नहीं है? तो आप समझ सकते हो, आपने ब्रॉन्ज से शुरू किया, आपको पैसे नहीं थे, आपने बोला मैं तो सिर्फ ब्रॉन्ज से शुरू करता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप ब्रॉन्ज हो, दो ब्रॉन्ज हो के क्या मिलेगा? 1847। आप ब्रॉन्ज हो, नीचे वाले गोल्ड हो गए तो क्या मिलेगा? 7312 रुपए, मजा आएगा ना। आप ब्रॉन्ज हो, आपके पैसे नहीं है, आप गरीब हो, दीनहीन, दिक्कत में हो, टेंशन में हो, कोरोना ने बैंड बजा दी है, 10,000 में भी पता नहीं क्या करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस आदमी को 10,000 की भी दिक्कत है ना, कर भी नहीं पा रहा है, तो भाई साहब ये तो भगवान ही मालिक है। इसलिए बी सीरियस, बहाने मत बनाओ, पैसे नहीं है, बहाने नहीं बनाने जिंदगी में, कैसे होगा ये बताओ, ये 10,000 रुपए का इंतजाम कैसे हो सकता है, ये पूछना है, ये नहीं बोलना है हो ही नहीं सकता, ये बोलना हो कैसे सकता है, क्या तरीका अपनाया जाए, क्या किया जाए, कैसे रास्ता निकाला जाए। 10,000 रुपए से जिंदगी बदल सकती है, अरे आपके पास में नहीं है तो और भी जरूरी है। गोल्ड बन गए आप धीरे धीरे, चाहे एक साथ वन शॉट में बन गए, आप दो ब्रॉन्ज भी पैदा करते हो ना, बींग अ गोल्ड, 3,000 पे जेब में आते हैं, सोचो आप एक आदमी 1500 मिल रहे हैं ब्रॉन्ज पे, अगर आप गोल्ड हो गए, गोल्ड कर लो तो 12,144 रुपया, आप सोचो एक गोल्ड पे 6,000 रुपये मिल रहा है, बढ़िया है कि नहीं है, मस्त। और अल्टीमेटली आपने प्लेटिनम बन ही जाना है, जब आप प्लेटिनम बन जाओगे, दो ब्रॉन्ज पैदा करते 3,666 ये इनकम आती है, सोचो आप एक आदमी लगभग 1600-1700 रुपये का पड़ता है एक ब्रॉन्ज। लेकिन गलती से अगर आपने दो आदमी को ब्रॉन्ज की जगह गोल्ड कर लिया, कितने आएंगे? 13,464 रुपया, सोचिए आप लगभग 6,500 रुपये का है एक गोल्ड आपके लिए। इसीलिए जल्दी से जल्दी प्लेटिनम बनिए, ब्रॉन्ज जोड़िए, सिल्वर जोड़िए, गोल्ड जोड़िए, प्लेटिनम जोड़िए, जैसे मर्जी जुड़े लोग, आपको पैसे आने ही आने। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है सर, पैसे जल्दी चाहिए सर, पैसे की बड़ी टेंशन है सर, बड़ी दिक्कत में हूँ सर, मैं बोलता हूँ मेहनत करनी शुरू कर दो, क्या चीज में पैसे आएंगे? पैसे आएंगे मेहनत से, अपने आप नहीं आएगा कहीं पर भी दुनिया में, तो आप समझ सकते हो, समझदार के लिए इशारे काफी है। किस इनकम है इसको बोलते हैं हम लोग मैचिंग इनकम, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, मैचिंग इनकम। आप शुरू में टीम बनाते हो, जब टीम बिल्ड होती है, जब टीम काम करती है, तो अनलिमिटेड लेवल, लेफ्ट में काम हो रहा है, राइट में काम हो रहा है, ए टीम में काम हो रहा है, बी टीम में काम हो रहा है, मैचिंग हो रही है, आपको पैसे आ रहे हैं। अगर आप गरीब होके सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करते हो, हालांकि इनकम छोटी नजर आ रही होगी आपको, हर लेवल में पैसा है, छोटा छोटा पैसा है शुरू में, लेकिन आगे जाके भयंकर इनकम है, अकल्पनीय पैसा, अनबिलीवेबल मनी। लेकिन अगर आप प्लेटिनम बन गए जल्दी से, तो शुरू में ही पैसा शुरू में ही ज्यादा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो आपको देखना है ब्रॉन्ज से शुरू करो, सिल्वर से, गोल्ड से, या प्लेटिनम से, जो आपकी पोजीशन बन सकती है। तो दोस्तों दो लाइनों में क्या हो सकता है, ये दो की शक्ति है, जिंदगी में दो आदमी चाहिए, सिर्फ दो आदमी। अगर आपको जिंदगी में दो आदमी अपने जैसे मिल गए, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार हो गया। लेकिन दो आदमी, कुछ लोग ऐसे भी शाने होते हैं जो दो आदमी को ढूंढने निकल जाते हैं करने से पहले, वो सोचते हैं दो आदमी मेरे को मिलेंगे तो मैं करूंगा। भाई साहब वो जो दो आदमी है ना, वो भी शाने हैं, वो भी दो आदमी को ढूंढने निकल जाएंगे, सारे ढूंढने निकलेंगे, किसी को पैसा नहीं आएगा। इसलिए अपना काम पक्का करें, अगर आपने पक्का ना करके ढूंढने निकल गए तो ढूंढने वाले भी ढूंढने निकल जाएंगे। तो आपको पहले खुद ज्वाइन करना है, फिर रिकमेंड करना है, झूठ नहीं बोलना। जिस बिजनेस की नींव झूठ से रखी गई,
झूठ में बोल दिया आपने, मैंने तो कर लिया है, मैंने 10,000 लगा दिए, 40,000 लगा दिए। तो झूठ बोलने का मतलब है जिसकी नींव ही झूठ से शुरू हो गई उसने आज भी खत्म होना है, कल भी नहीं तो परसों भी खत्म होना है। झूठ नहीं बोलना है, आपने पहले ज्वाइन कीजिए 10,000 से, 20,000 से, 40,000 से, और उसके बदले में सामान मिल रहा है आपको। कोई ऐसा रिस्क नहीं है, कोई आप पैसे नहीं लगा रहे हो, कोई जुआ नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, एक बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपके अपने परिवार के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। ये तो दो से है। अब देखिए ब्रॉन्ज से, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम, जहां पर भी होंगे हर लेवल पे मार्जिन है, हर लेवल पे पैसे हैं। और मोटा मोटा आपको समझ आएगा अभी यहाँ पर, जब आपको सीरियसली करना होगा ना इस बिजनेस को, तो आपने उस आदमी को पकड़ना है जिसने ये आदमी बिजनेस आपको दिखाने के लिए लाया है, उससे पूछना है जो आपने मेरे को बताया था ना सर, वो जो बिजनेस दिखाया था पाल जी ने, थोड़ा सा और समझाओ, मेरे को समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हूँ। ये सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने वाला प्लान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि अगर आपको इतने में इंटरेस्ट आ गया, इतने में आप सीरियस हो गए, तो आपको समझाना चाहिए, नहीं तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना हमें, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो 3,30,000 रुपये हफ्ते का, 13,20,000 रुपये महीने का, और 1.5 करोड़ रुपये साल का आ सकता है आपको, ऐसी इनकम हो जबरदस्त। इसके बाद देख सकते हैं आप, 2 लाइनों की जगह 4 टीमों में काम करता है तो 9,90,000 रुपये हफ्ते का, 39,60,000 रुपये महीने का, और 4,75,00,000 रुपये साल का आ सकता है। तो बहुत बड़ी फिगर है ये, बहुत बड़ी इनकम है जो कि पॉसिबल है। इस बिजनेस में सेल्स को कैरी फॉरवर्ड होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है सेल्स। यहाँ पे और बिजनेस में, और कंपनियों में सेल खत्म हो जाती है, हमारी कंपनी में सेल्स अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है। छोटी छोटी कंडीशंस हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो यहाँ पे बिजनेस कभी भी आपका जीरो नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। और कंपनी में जितना पे आउट बनता था बनेगा, उसके बाद आपका खत्म, महीने में हिसाब किताब जीरो, यहाँ जीरो नहीं होता है। ये है ब्यूटी ध्यान स्कीम नंबर 1, राइट। पावर लेग बनाओ, पावर लेग, यहाँ पे पावर लेग बनाना है हर आदमी को, हर लीडर को, खुद का पावर लेग बनाना है, खुद बनाना है। आपका पावर लेग कोई और नहीं बना के देगा, ध्यान रखिएगा। जो पैसा कमाना चाहते हैं इस बिजनेस में वो अपना पावर लेग बनाते हैं, आपने पावर लेग बनाना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे तीसरी इनकम की। तीसरी इनकम है हमारी, चौथी इनकम, कोचिंग बोनस। सिल्वर को 2 लेवल मिलेगी, गोल्ड हो गए तो 3 लेवल मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो बिजनेस करता है ना सीरियसली हमारे साथ, वो गुप्त प्लेटर बन जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो 4 लेवल 5% आपकी टीम में जितने भी पैसे कमाएंगे लोग 4 लेवल में, उनकी कमीशन का, उनकी बोनस का 5% कंपनी आपको अलग से देती है कोचिंग। अगर आपकी टीम ने मिलकर 1 करोड़ रुपए कमाए, उनके 1 करोड़ का 5%, 5,00,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम। सोचो एक्स्ट्रा इनकम, सिर्फ क्यांस के पास है ये इनकम, दुनिया में दूसरी कंपनी के पास नहीं है। इसलिए क्यांस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, पांचवी इनकम, यूनिलेवल इनकम। हर महीने हम शॉपिंग करते हैं ना, हर महीने जो शॉपिंग करते हैं आप हर महीने, तो आपको सामान मिलता है, जो भी सामान लेते हैं आप, साबुन, तेल, शैम्पू, सप्लीमेंट, मशीन, कुछ भी ले रहे हो आप। सिर्फ 2,000 रुपए की शॉपिंग पे क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में? देखिए सिल्वर को मिलेगा 5 लेवल, गोल्ड को मिलेगा 8 लेवल, प्लेटिनम को मिलता है 10 लेवल। तो सबसे ज्यादा किसको मिलता है? प्लेटिनम को। जल्दी से जल्दी प्लेटिनम बन जाओ। 2 टीमों में 84,000 तक आ सकता है। आपने 2020 BV की शॉपिंग की, हर आदमी 20 BV की शॉपिंग कर रहा है मोटा मोटा 2,000 रुपए की, तो आपको 84,000। सोचो आपने 2,000 रुपए लगाए और 84,000 रुपीज आने शुरू हो जाए आने वाले टाइम में, मजा आएगा कि नहीं? 4 टीमों में 5.5 CR और 6 टीमों में 72 CR। सोच लो 1% भी आ गया ना इसका, पॉइंटों में भी आ गए पैसे, छींटे पड़ गए, तब भी 1,00,000 रुपए की रकम है अलग से। यूनि लेवल बोनस इंडिया में सिर्फ क्यांस के पास है, कोचिंग बोनस सिर्फ क्यांस के पास है, इसलिए बोलते हैं हाइब्रिड बोनस। समझ गया आप, समझदार के लिए इशारा काफी। छठवीं इनकम, 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार, जैसे लेवल ऊपर जाएगा आपकी इनकम बढ़ेगी, एक और इनकम आएगी, कैशबैक भी बढ़ेगा आपका और डिफरेंशियल बोनस भी बढ़ेगा आपका। सातवीं इनकम आती है, पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है उसकी रॉयल्टी कंपनी बांटती है, इंडिया के 7% का, इंडिया के बिजनेस का 7% और पूरी दुनिया का 7%। कब? जब इस कंपनी में आप ब्रॉन्ज लॉयन, सिल्वर लॉयन, गोल्डन लॉयन, स्टार गोल्डन लॉयन, डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर बनते हैं। तो इलीट बोनस है, सबका सपना होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस करे, कोई भी सेल्स हो, उसके छींटे आपके अकाउंट में पड़ेंगे, आपको पैसे आएंगे, मजा आएगा कि नहीं? आपके बाद ये इनकम आपके बच्चों को आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आठवीं इनकम है लग्जरी रिवॉर्ड, कार और घर। कार के लिए कंपनी आपको दे रही है 19,80,000 रुपया,
$30,000 गाड़ी के लिए और $1,12,00,000 रुपया आपके घर के लिए। आप देख सकते हो $200,000 कंपनी देती है, $200,000 का फंड आपके अकाउंट में रिजर्व हो गया। रिजर्व जब भी आप क्वालिफाई करेंगे आपको ये सब मिल जाएगा, जिस सोचिए आप। और पूरी दुनिया घूमने का मौका, दुनिया के एक से एक बेहतरीन देश को आप घूम सकते हो। और लैपटॉप मोबाइल से ये फ्री में तो प्रमोशन चल रही है ऑलरेडी। और आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों को विरासत में मिलेगा, इसलिए अपने बच्चों के लिए सीरियस हो जाएं, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। तो ये बिजनेस है दोस्तों, इसने मेरी जिंदगी बदला, जैसे मेरी जिंदगी बदली ऐसी आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, यहाँ से इज्जत मान सम्मान पैसा सब कुछ हो। आप सोचिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंसान को, राइट? तो आप देख सकते हैं हजारों लोगों के बीच में गिफ्ट, ये हमारे सीनियर जो मौज ले रहे हैं इस बिजनेस में, ये हमारे सीनियर जबरदस्त मौज ले रहे हैं, आज करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, घरों में भी रह रहे हैं, कमा रहे हैं। इस तरह का लाइफ स्टाइल पॉसिबल है सियांस बिजनेस में। ये सियांस की बदौलत आज हम और आप जैसे लोग, आम आदमी अपनी जिंदगी को यहाँ पर बदल रहा है। इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 100 BV से, ब्रॉन्ज कार से, सिल्वर कार से, गोल्ड कार से, 10,000 से, 20,000 से, 40,000 से, जहां से मन करे, ठीक है। और जिसके बस की है तो सीधा प्लेटिनम से भी कर सकता है, कोई यहाँ मना नहीं कर रहा है। क्यों करोगे प्लेटिनम से, आपकी मर्जी है, आपके पास अगर जुगाड़ है आप कर सकते हो, आप में हिम्मत है तो, राइट? तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे बच्चे हैं जिस बिजनेस में अंडर ट्रेनिंग है और आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे आपके पास। तो ये अवार्ड सर्टिफिकेट रिवॉर्ड इज्जत मान सम्मान जो यहाँ मिलता है हमारी टीम में वो तो बात ही अलग है। तो इस तरह से समझ सकते हो सियांस का ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, IBNET सिस्टम। इसलिए मैं बोलता हूँ कर्मों के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, एक्शन मैन बनिए, क्योंकि आपने डिसीजन लेना है। जिंदगी डिसीजन लेने से बदलती है और एक्शन लेने से बदलती है। ये बहाने मारने से, शिकायत करने से नहीं मिलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहाने हैं, मेरे पास भी कुछ नहीं था। हम जैसे लाखों करोड़ लोगों के पास कुछ नहीं था, सब कुछ है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नहीं तो हाथी की तरह बंदे रहेंगे जिंदगी भर। कंफर्ट जोन से निकल के हमें फियर जोन से बाहर निकलना है, लर्निंग जोन से बाहर निकलना है, सक्सेस जोन में काम करना है। क्योंकि जिंदगी तो एक्शन करके ही बदल सकती है, बहाने मार के नहीं बदलेगी। तो आप इसका इंतजार करें दोस्तों, आप भी कामयाबी के लिए सियांस में शामिल हों। सक्सेस के 9 टिप्स हैं, तो आपको कैसा करेक्टर बनाना है, किन पावर को यूज करना है, कौन सी डेली की एक्टिविटी है, ये हम आपको सिखाएंगे जब आप इस बिजनेस में आएंगे। हम आपको एजुकेट करेंगे, ट्रेंड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आइए मिलकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया है, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए सैंपल है, सैंपल। आज का मेरा टॉपिक भी है, ये आज का टॉपिक है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाने का डुप्लीकेशन पैदा करें। अपनी टीम में प्लान शो पैदा कीजिए। सबसे पहले तो आप प्लान शो करना आता है कि नहीं आता है? मैंने आज आपको करके दिखा दिया, मैं पिछले 8 महीने से करके दिखा रहा हूँ, सैकड़ों बार दिखा चुका हूँ मैं, राइट? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने इसको स्टडी करना है। एक बार स्टडी करना, 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद आपको सब याद हो जाएगा, सब पाल बन जाएंगे। मतलब पाल जी क्या है, हम भी कम करिए पाल जी से, राइट? आप सब पाल जी से कम नहीं हो, ये पाल जी बोल बोल के कर करके कर लेते हैं। जिस दिन आप पाल बनना शुरू हो गए ना, बिना पाल है, और हर एक में वो पावर है। इसलिए मैं बोलता हूँ यू आर अ डायमंड, आप डायमंड हैं। आपने माना नहीं है, मैंने मान लिया है, डायमंड आप हैं, आप मानिए, विश्वास कीजिए अपने ऊपर। आप जैसे धरती में भगवान ने दूसरा बनाया ही नहीं कोई, पूछो आप अपने आप से, कोई है इस दुनिया में आप जैसा, कोई नहीं है। आप बोलो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, 10 करोड़ दूंगा, मेरे से दो ढूंढ के, मिलेगा ही नहीं। आप 100 करोड़ दो तब भी नहीं मिलेगा, वही एक ही कॉपी बनाएंगे भगवान ने, सिंगल कॉपी, है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आप इसने आपको बोलिए यार, मैं ग्रेट हूँ, महान हूँ, भगवान ने मेरे को स्पेशल बनाया है, धक्के खाने के लिए थोड़ी बनाया है, घिसने के लिए थोड़ी बनाया, मजे लेने के लिए बनाया है ना, खुद भी मजे लेने और लोगों को भी मजे कराने के लिए बनाया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी टीम में डुप्लीकेशन पैदा करनी है। अगर आप डुप्लीकेशन पैदा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए आप, आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आप बिजनेस में बहुत आगे चले जाएंगे अगर आपने अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिए तैयार। सपोज करो आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 लोग डेली 1 प्लान देते हैं, सोचिए आप, तो महीने में कितने प्लान होंगे,
300 प्लान होंगे या नहीं होंगे? क्या आप अकेले 300 प्लान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप 10 लोगों को अपने डुप्लीकेट कर सकते हो, आप उनको एजुकेट कर सकते हो, आप उनको कॉपी कर सकते हो। मैं डेली यहाँ आके इसीलिए मगजमारी कर रहा हूँ कि भाई बन जाओ, है ना। आपका बन गया कोई हमारा बनेगा कुछ, आपका कुछ नहीं बनेगा तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। और हमें बनाना है। मैं इस चक्कर में लगा पड़ा हूँ और मेरे चक्कर में लोग लगे पड़े हैं और इस चक्कर चक्कर में सब काम हो रहा है, राइट। तो आप भी आ जाइए चक्कर में। जब तक चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना तो चक्कर होने वाला नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम में प्लान छोड़ डुप्लीकेट करने हैं, जनरेट करने हैं। करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप डुप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा आपका? बहुत सारी ज्वाइनिंग आएंगी, नई ज्वाइनिंग आएंगी। 10 लोगों ने प्लान देना शुरू किया, डेली कोई ना कोई ज्वाइनिंग आ रही होगी आपकी टीम में, नई ज्वाइनिंग आएंगी और सेल बढ़ेगी आपकी। जब सेल्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी आपकी, सभी लोगों की लिस्ट बढ़ जाएगी, सभी लोग मीटिंग बढ़ा रहे होंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप ये मत सोचना जब 100, 200, 500 होंगे तब करेंगे ना। 9 तेल होगा ना राधा नाचेगी फिर, है ना। हमको क्या करना है? अभी आप अकेले हो, अपने आप से पूछो क्या अभी तक आपने डुप्लीकेट किया है। अब आप बोलोगे कि सर डुप्लीकेट कैसे करें, लिख लो लिख लो। आज मैं 5 पॉइंट बताने के लिए आया हूँ आपके बीच में। फिर दोबारा मैंने बोला था ना, मैं हर रोज कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। 5 मिनट में 5 पॉइंट दे के जा रहा हूँ आज, सोचो। अब मैंने सोच लिया है डेली कुछ ना कुछ मटेरियल देना है आपको, ये ऐसे नहीं चलने वाला। और मैं पूछूंगा भी आपको, ध्यान रखना। अभी तक मैं भी गर्लफ्रेंड में जी रहा होता हूँ ना, मैं सिखा रहा हूँ, सीख रहे होंगे, पता चला वही हो गया धात की 3 पार्ट, है ना। पता चला भाई साहब जहां से शुरू हुए तो वही के वही है, कुछ हुआ ही नहीं। मैं सोचता था भाई सब सुन रहे मेरे को, पता चला लोगों ने ना कनेक्ट करके छोड़ दिया। पाल जी हम थे प्रोग्राम में, लेकिन सुन रहे थे हम। ऐसे नहीं काम चलने वाला, ऐसे पैसे नहीं आने वाले आपकी जिंदगी में। आपकी जितनी समस्याएं वो दूर नहीं होने वाली, जो आपके सपने वो पूरे नहीं होने वाले हैं अगर आप ऐसी चलाकियां करेंगे अपने आप से, मेरे से नहीं अपने आप से, है ना। तो आपने मीटिंग में आना है, सुनना है, नोट डाउन करना है, डायरी लेके बैठिए जब मेरी मीटिंग में आते हैं आप। मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। तो आपने क्या लिखना है, अपना लिखिए। आपको नॉलेज से भी ज्यादा क्या जरूरत है आज, लिखिए डायरी में। नॉलेज से ज्यादा जरूरत हिम्मत की है। प्लान दिखाने के लिए नॉलेज भूल जाइए फिलहाल। अरे नॉलेज तो टाइम लगता है लेने में, मुझे भी पता है। हिम्मत करने में क्या टाइम लगेगा? हिम्मत तो अंदरूनी काम है, अंदरूनी मामला है, अंदर की बात है। हिम्मत करो, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अरे मना ही तो करेगा, ना ही तो करेगा, नो ही तो करेगा, तो जान थोड़ी लेगा, राइट। तो आपने क्या करनी है, नोट करिए अपने पॉइंट। हिम्मत जरूरी है। किसके लिए हिम्मत जरूरी है? प्लान शो करने में। प्लान शो करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत तो है ही है, बिल्कुल है नॉलेज की जरूरत, क्या बताओगे आप। लेकिन अभी नॉलेज सारी बातें नहीं आएंगी। मैं सब सीख लूंगा, मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तब मैं काम करूंगा। ऐसे आदमी को मैं बोलता हूँ द बीमारी, द डिसीज ऑफ परफेक्शन। कुछ लोग डिसीज ऑफ परफेक्शन होता है, कईयों को कोई भी काम करने से पहले बोलते मैं सब हो जाएगा ना, तब मैं करूंगा। फिर बोल रहा हूँ ना, नो वन फेल होगा, ना राधा नाचेगी। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप कितना ही कोई काम कर लो, मेरे को 18 साल हो गए, मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ। तो ये मत सोचना जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जब पूरा नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तब मैं जाऊंगा। नो, जब आप हिम्मत पैदा करते हो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर से, भाई साहब देखा जाएगा। डेमो तो देना है, नैपकिन फाड़ के तो दिखाना है, बीसीएम में खड़े तो करना है बंदे को। क्या हो गया फिर, हमने कुछ नहीं करना है, जो भी करेगी मशीन करेगी, है ना। और नैपकिन में क्या है, पानी में डालो, हो गया नैपकिन का डेमो खत्म। एक आसान डेमो बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा गिलास ले लो, पानी डाल दो इतना, और उसमें एक नैपकिन मार्केट वाला डाल दो एक गिलास में, दूसरे गिलास में वो हमारे वाला डाल दो, थोड़ी देर बाद देखो हमारे में पूरा पानी सोख लेगा। मार्केट वाले में तो पता ही आपको गिला हो जाएगा। इतना भी काफी है शुरुआत में, इससे पता लग गया कि भाई साहब बड़ा दम है हमारे नैपकिन में। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से डेमो दोगे, प्रॉपर खोल के दिखाओगे, तो मेरी बहुत सारी डेमो है। पाल भी बसना यूट्यूब चैनल में जाइए, अभी बहुत सारे लोगों को हमने नैपकिन अपना ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अवार्ड दिए हुए। क्यों दिए थे? क्योंकि उन्होंने एक से एक डेमो बना के दिया हमें, राइट। हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, क्यों किया? आप लोगों के लिए, आपके हेल्प के लिए। उन बहन बेटियों की जिन्होंने वीडियो बना के भेजी थी हमारे को, उनको देखिए। अभी इस हफ्ते में आपको, अगले संडे को मैं BCM की वीडियो जारी अपलोड होने के लिए, आपको BCM के वो मिलेंगे, BCM का
ब्रेसलेट विनर मिलेगा इस संडे को आपको, कमिंग संडे को, जिसने बीसीएम के वीडियो दिए मुझे बनाकर, मैं उनमें से किसी को ब्रेसलेट गिफ्ट करने वाला हूँ, राइट। तो वो फिर आपको बीसीएम की भी बहुत सारे डेमो मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब मेरी बात को समझिएगा कि आपने इस बिजनेस में आपने प्लान शोर बनाने बहुत जरूरी है, राइट। जिससे क्या होगा, जब एक्शन मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपके रिजल्ट भी डुप्लीकेट होंगे, रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप काम करोगे ना, आप भी उनमें से एक हो, आपसे भी बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप ये बताएं, आप सीखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ईमानदारी से जवाब दो, आप अपने आप से बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, माय ऑडियंस, माय लीडर्स, और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी पूछ रहा हूं, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? और जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है ना, फिर वो तो कंज्यूमर है, सिर्फ कस्टमर, कष्ट करके मर, है ना, वो यहां भी मर और वहां भी मर, उनकी वो कहानी होने वाली है। आपने एक भाई ना, बाबा जी होते हैं, महात्मा जी होते हैं, वो धुनी लगा के बैठे थे रात को, दो बाबा, एक यहाँ पे होता है, एक थोड़ा दूर होता है ना, 50 मीटर दूर। वो एक बाबा देखता है रात को जब आग जलाता है, धुनी जलाता है, तो बड़े कीट पतंगे, मच्छर वगैरह सब आते हैं, मरते हैं ना, तो वो उसमें पानी गिरा के बंद कर देता है। अरे इतने सारे मर रहे हैं यहाँ पे आके, ये तो पाप हो जाएगा, ठीक है, उसने तो बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दूसरे बाबा के पास गया, वहां देखा तो पता चला सारे कीट पतंगे वहां जाके मर रहे हैं, है ना। वो बोला, कहते भाई इन कीट पतंगों ने वैसे भी मरना ही है, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ भी मरना है, वहां भी मरना है, हम नहीं जलाएंगे, धुनी पड़ा जलाएगा धुनी, ये तो कस्टमर है, इन्होंने कष्ट करके मरना ही मरना है, ठीक है। तो वो अलग है, लेकिन अगर आप जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आप अकेले काम करके जिंदगी बदल सकते हो आप नहीं। अगर आप अकेले काम करने की सोच रहे हो ना, आप सोचते मैं तो बहुत बड़ा कलाकार हूं, मैं झंडे गाड़ूंगा, तो आप सेल्समैन बन के रह जाओगे। ध्यान रखना मेरी बात को, आप क्या बन जाओगे, आप सेल्समैन बन के रह जाओगे अगर आप अकेले लगे रहे। अगर आपने टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया अभी से ही, एक लोगों के साथ, एक आदमी के साथ, दो आदमी के साथ, सिर्फ दो आदमी चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में, सिर्फ दो आदमी, सिर्फ दो आदमी के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो ध्यान रखना जिंदगी में आप लीडर बन जाएंगे। लीडर आज से खप खपाओ अपने कंधे को, बेटा मैं लीडर हूँ, लीडर। अगर आप टीम के साथ काम करने की आदत डाल दिया आपने, तो अपने आप को टैप कीजिए, अगर अभी तक आप चुपचाप अकेले चल रहे हो ना, एक लाख चलो तो काम नहीं चलने वाला, उधर जाइए, दिक्कत में आ जाओगे, फिर मत बोलना, समझाया अंत सर आपने, बताया अंत सर आपने, है ना। क्योंकि अगर आपकी टीम काम करती है, तो आपकी ग्रोथ बड़ी हो सकती है, अकेले काम करोगे तो अभी आप अपने आप से पूछिए, जो आपको बिजनेस आ रहा है ना, वो अकेले काम करने का बिजनेस आ रहा है आपका, या टीम काम के काम करने का पैसा आ रहा है आपको, बिजनेस आ रहा है। बी सीरियस, दिस इज नॉट जोक, लाइफ इज नॉट अ जोक ना। मैं कोई अलग थोड़ी हूं, मैं आपको बताने वाला थोड़ी होता हूं। आजकल तो लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मेरी क्यों सुनेंगे, लेकिन मेरी बात अगर दमदार होगी, मेरी बात काम की होगी, तो जरूर सुनेंगे। लेकिन अब बात आती है, इस प्रोसेस में क्या करना है आपको, सबसे मैजिकल क्वेश्चन क्या है, पहला जो जादू वाला क्वेश्चन है वो यही है, क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस हैं, क्या आप उसके लिए सीखने के लिए तैयार हैं? यस, बोलिए, आपकी मुंडी से पता नहीं चल रहा मुझे, ठीक है, जिसकी मुंडी निकली पड़ी है उसी की बोल सकता हूँ मैं, कहीं तो पर्दे के पीछे, उनका क्या बताऊं, है ना। तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े पगड़ी वाले भी पर्दे के पीछे हैं, ये भी आ जाएंगे धीरे धीरे एक दिन, राइट। तो आप समझ गए, आप पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं, आप प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा बनने वाला, प्रेजेंटर बनना चाहते हैं आप, प्लान शोर बनना चाहते हैं आप? यस, आवाज आनी चाहिए, यस आई वॉन्ट टू बी अ प्लान शोर, दिस इज योर कमिटमेंट। पहला आपने यस किया, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जिंदगी बदलने के लिए, प्लान शोर बनना पड़ेगा। मैं रेडी हूं प्लान शोर बनने के लिए, कमिटमेंट करिए। नंबर टू, पहला आपने क्या किया, पहले आपने एक्सेप्टेंस ली, यस आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रेजेंटर, प्लान शोर, नंबर वन लिख लिया आपने डायरी में, नंबर पॉइंट लिखिए, नंबर टू एक कमिटमेंट, यस आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर, ग्रेट लीडर, राइट। ये कमिटमेंट लिया या नहीं लिया अभी आपने? अगर नहीं लिया, नहीं होगा, बता दूं आपको, प्रोसेस बता रहा हूं, कल भी बताया था मैंने बहुत सारे प्रोसेस,
कल एक घंटे का प्रोग्राम था, आज 10 मिनट के अंदर कहानी चैप्टर क्लोज करने वाला हूँ। सोचिए, सागर में सागर भरने की आदत डालने वाला हूँ मैं भी। मैं तो बहुत समझा लिया, ज्यादा एनर्जी खराब नहीं करनी है मेरे को, कम एनर्जी में ज्यादा माल दे दो, जिसने समझना होगा समझ जाएगा, नहीं तो घूम घूम जाएगा, है ना। याद रखना आप कमिटमेंट लेने लेके चलो जिंदगी में, और फिर मैं आपको क्लियर डिसीजन में देता हूँ, तीसरा काम क्या करना आपने, इस बात को और क्लियर कीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जब मैं आपको प्लान यहाँ शो कर रहा हूँ ना, मेरा पर्पज क्या है आप पता है आपको, आपको सिखाना। मेरे प्लान में इस प्रोग्राम में कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग गेस्ट आ रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, मुझे आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मेरे प्रोग्राम में कितने लोग आ रहे हैं, आई एम लीस्ट कंसर्न, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखाने आ रहा हूँ। कितने लोग जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, दैट इज सेकेंडरी। जब दिखाएंगे कोई तो जुड़ेगा, और कितना अच्छा दिखा दो, नहीं जुड़ना होगा तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, प्लान कैसे दिखाना है। पहला फॉर्मेट क्या है मेरा, आपको टीच करना। अगर मैं हर रोज 7 बजे यहाँ आता हूँ, क्यों आता हूँ, आपको टीच करने के लिए आता हूँ, आपको सिखाने के लिए आता हूँ कि आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, सीखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको महसूस कीजिए। तो मेरा पर्पज क्या है, क्लियर है। अब आपका भी पर्पज होना चाहिए, आपको अपनी टीम को क्या करना है, सिखाना है, उनसे कमिटमेंट लेनी है, उनसे पहला काम करना है जो मैं अभी आपसे करा रहा हूँ ना, उनसे भी कराना है। ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। ऊपर वाले की नहीं सुनेंगे, नीचे वाले को बताएंगे नहीं, रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। रोने से मिला आज तक किसी को, कहीं भी जाके रो लो, रोने वाले को लात ही पड़ती है, बता दूं मैं आपको, है कि नहीं है। रोने वाले से लोग भगते हैं दूर, बोला रोने वाला आ गया, फिर आ गया, रोएगा आज, फिर रोएगा, उससे पहले खुद ही रोने शुरू होते लोग, बोला इसके आगे हम भी रोने लग जाएंगे ना, फिर ये अपनी रोने लड़नी बंद कर देगा ये, है ना। भूखे को भूखा मिल जाए तो क्या हो सकता है, समझ लो हालत, है ना। अब मेरी बात समझ गया आप, आपने पहला काम अपने लीडर से कराइए, जो आपके 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कौन ग्रोथ करने के लिए तैयार है। आप उनको क्या करोगे, जब आप प्लान शोर बनाओगे उनको, तो क्या करोगे आप कुछ टाइम उनके साथ काम करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आपके दिमाग में फिक्स है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये करना है मेरे को, कमिटमेंट लेना है, तीसरा क्या करना है, मुझे सारी चीजें क्लियर करनी है। भाई मैं आपके साथ में कुछ प्लान शो करूंगा, है ना, ये बताओ मैं कितने प्लान शो करूं कि आप सीख जाओगे, पूछो, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। और मैं तो नॉन स्टॉप क्यों लगाऊं, क्योंकि हर बार ही नए नए आ रहे हैं लोग, नए नए लोग आ रहे हैं, और मेरी तो मशीन है, चालू है ना। अब ये काम तो हालांकि मेरा यूट्यूब भी कर सकता था, लेकिन मेरे को भी लगता है कि हर रोज मेरी भी एक्सरसाइज होनी जरूरी है ना। जो खिलाड़ी होता है ना, वो इंटरनेशनल मैच खेले ना खेले, नेशनल मैच खेले ना खेले, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस जरूर करता है, घर में बैठ के भी करता है, नहीं करता है, यही काम मेरा है। मैं अपने प्रैक्टिस के चक्कर में ना अपने आप को सर्वताजा रखने के लिए आपके साथ लगा रहता हूँ, राइट। अब इसका फायदा भी होता है, आप फायदा भी उठा सकते हैं, अब आपके ऊपर है, फायदा उठाते हो कि नहीं उठाते हो, मैं तो उठा रहा हूँ। तो आपने पूछना है सामने वाले से, बोलना है कि मैं कितने प्लान दिखाऊं आपको, कितनी बातें, कितनी बार प्लान दिखा दूं कि आप सीख जाओगे, 2 बार 4 बार 5 बार, उसे पूछना है, क्लियर करनी है बात। वो बोलेगा सर एक काम करो, आप मेरे को कम से कम 5-7 प्लान तो दे दो, प्लान 5-7 डेमो दे दो, उसके बाद में मैं खुद ही कर दूंगा। बात बन गई, कमिटमेंट आ गई ना, इसका मतलब बंदा सीरियस है। नहीं आप ही दे देना, आप ही दे देना भाई, सब कुछ आप ही करेंगे क्या, और किस किसका करोगे। आपकी टीम में 10 लोग होंगे, 9 लोग हमेशा नाराज रहेंगे आपसे, सर हमें कब टाइम दोगे, आप तो उनके साथ ही घूमते रहते हो, उन्हीं को समझाते रहते हो, उन्हीं का काम करते रहते हो। तो प्लान शोर बनना जरूरी है, और उसके लिए प्रोग्रेस को चेक करना है। नंबर 4 काम क्या है, क्लियर कर ली बात आपने, अब आपने प्रोग्रेस को चेक करना है कि जो हमने बोला था, जो कमिटमेंट किया था, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या करना उसके लिए, आपने 2 प्लान दो, और मजाक कर लो थोड़ा सा, हल्के से बोलो चलो आज ना थोड़ा सा तुम भी दे देना, ओ कांपना शुरू हो जाएगा, अरे सर अभी कहाँ, अभी नहीं, 2 प्लान में आपने चेक किया, कोई बात नहीं आपको पता है, 4 प्लान बाद फिर छेड़ो उसको, आज तो तुम कुछ मेरे बारे में कुछ बोलो या अपना इंट्रोडक्शन दो, कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा आज, वो कुछ ना कुछ करेगा, गड़बड़ी करेगा, जब भी करेगा, नो प्रॉब्लम, करने दो, कुछ भी करे,
आपने ये नहीं बोलना यार तूने काम खराब कर दिया, मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया यार ना, वो कितने गंदा करे, आपने अप्रिशिएट करना है। अरे कुछ तो किया ना, जो मन जो बिल्कुल चुप था, जुबान बंद करके बैठा था, अब बोलना तो शुरू हुआ, तो अचीवमेंट है ये। आप उनको तालियां बजाइए। हम ऐसे कलाकार होते कहीं हो, बड़े कलाकार, वो भाई साहब पूरी बंदे की ना बंद कर देते दुकानी, इतना डिस्क्रेस कर देते हैं, मनोबल तोड़ देते हैं अपने लीडर का। ऐसा लीडर नहीं बनना है आपको, ड्रीम स्मैशर नहीं बनना है, ड्रीम बिल्डर बनना है आपको। लोग ड्रीम को स्मैश करते हैं, ड्रीम को किल करते हैं, आपको ड्रीम बिल्डर बनना है राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग, आप चेक करना है, और फिर आपने बोला था उसको 10 प्लान में करूंगा, 5 प्लान 10 प्लान जो भी आपको लगे अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ज्यादा इंटेलिजेंट है बंदा, दमदार है, 5 में बहुत है, उसको 10 की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको लगा मंद बुद्धि बालक है तो 10 प्लान चलेगा, ठीक है। और 10 प्लान के बाद वो बोला ना 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 ना, बोला 10 बोले थे, 1 और दे दूंगा, तैयार हो जा। 11वां हो गया, 12वां कर दो, 13वां, इसका मतलब गलत आदमी के साथ काम कर रहे थे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आपको सीरियस होने की जरूरत है, आप कोई यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए, अगर तो आप समाज सेवा करने के लिए निकले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कैरियर बनाने के लिए निकले हैं तो आपको अपने बार को बार बार चेक करना जरूरी है। अगर आपने चेक नहीं किया तो बाद में आप पछताएंगे, लेकिन अगर उसने काम करना शुरू कर दिया, आपका अप्रिशिएट कीजिए। ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, वो जा रहा है, प्लान दे रहा है, उसको हर बार अप्रिशिएट कीजिए। आपके सामने प्लान दे रहा है तो भी आपके पीछे भी दे रहा है, वो आएगा रोते हुए आएगा, उसको लोग पंच मारेंगे मार्केट में जाएंगे, तो जब पंच मारेंगे तो उसको ये बोलना है, बेटा ये पंच हमें भी लगे थे, ये पंच पाल जी को भी लगे थे, हर कामयाब लीडर को पंच लगे हैं। क्या लगता है आपको, जो आज चैंपियन बॉक्सर है ना, वो बिना पंच खाए बन गया होगा चैंपियन बॉक्सर? हर चैंपियन खिलाड़ी स्ट्रगल किया है, उसने रिएक्शन ली है, नेगेटिविटी ली है, खुद से भी हारा है, लोगों से भी हारा है, लेकिन फिर खड़ा हो गया है, इसलिए चैंपियन बन गया है, राइट। तो आपने चेक करना है अपने प्रोग्रेस को। और 5वां काम क्या किया आपने, उसको बोलना है बेटा आप लग जाओ, हैंड ओवर कर दो उसको काम। 5वां काम क्या है, हैंड ओवर करना है, समझ गए। 4वां काम क्या है, चेक करना है। 3वां काम क्या था आपका, प्लान शो ना करना है उसका, आपको आपके साथ में उसके साथ में क्लियर करना है, उसको पूछना है, कमिटमेंट ले लिया आपने। तो आपने पहले 5 पॉइंट नोट कर लिए, पहला प्लान शोर बनना है कि नहीं बनना है, बिल्कुल बनना है सर, है ना, कामयाब होने के लिए प्लान शोर बनना है। नंबर 2 क्लेरिफाई करो, कमिटमेंट लो उससे, कमिटमेंट लिया, हाँ बिल्कुल सर सीखूंगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ सर मैं। नंबर 3 आपने क्लियर करना है, 10 प्लान दूंगा मैं, 5 प्लान दूंगा, इतना क्लियर करना है इस बार काम। अगर क्लियर नहीं करोगे तो बोलेगा भाई साहब आपने बोला था मैं ही प्लान दूंगा, मैं तो जुड़ा इसलिए था, भाई साहब अब तो आप धोखा दे रहे हो, बीच में छोड़ रहे हो मेरे को, है ना ना, साथ में कर दो। शुरू में उसको पता नहीं चलेगा आप में कलाकारी है। देखो अगर आप बच्चे को उंगली में पकड़ के रखोगे ना तो आपका बच्चा ना हैंडीकैप हो जाएगा जिंदगी में। बच्चे को अपने आप इंडिपेंडेंटली चलने की आदत डालनी पड़ेगी एक दिन, नहीं तो बच्चा तंग हो जाएगा, राइट, समझ गया आप। क्लेरिफाई कर दिया आपने, उसके बाद आपने प्रोग्रेस को चेक करना है 4वां काम। और 5वां काम क्या करना है, उसको प्लान शोर बना देना है, हैंड ओवर कर देना है, सेरेमनी तालियां बजानी है, भाई आज तो पार्टी, आज आपने प्लान दिया जैसा मर्जी दिया है, एंट्री आई तो खुशी मनाओ, नहीं आई तो तब भी खुशी मनाओ, खुशियां ही खुशियां। तो आपने समझो लीडर पैदा कर लिया। मेरे ख्याल में आप सभी लोग सारी बातें समझ गए होंगे। आज के लिए था 5 बातें याद रखने के लिए, मैंने आपको बतानी थी बता दी। आप ध्यान रखिए, अपने आप भी लिखिए डायरी में, इसी चीज को खुद फॉलो कीजिए, इसी चीज को अपनी टीम में फॉलो कराइए। तो कल शाम को फिर आएंगे हम एक नई चीज के साथ, नई ज्ञान के साथ आपको। और आज मैं आपके बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, और मैं देखता हूं क्योंकि समय की थोड़ी सी नजाकत है इसलिए कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आज, और वो कोई और नहीं है, सोनल जी हैं। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में ब्रॉन्ज लायन एंड गोइंग टू बी गोल्डन लायन, नन अदर देन प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्रेट लीडर ऑल द वे फ्रॉम गुजरात, वेलकम सोनल पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी।
तो जो अगली आवाज है वो है सोनल जी की। बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छे लग रहे हो और आपका बैच बहुत अच्छा लग रहा है, पिन बहुत अच्छी लग रही है। बस यहाँ पे गोल्ड की लगानी है, गोल्ड की। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम। आज तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल फॉर्मल A1। वेलकम। आपने कुछ आज आप थोड़े बिजी थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया और आप स्पेशली आए हैं, तो कुछ भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई नॉलेज ली है उसको शेयर कर सकते हैं, व्हाटएवर। वेलकम। यस सर, पहले तो हाँ सर, जितने भी पैनल में लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज आपने 5 पॉइंट बताए, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले सर आपका शुक्रिया और मेरे अपलाइन का शुक्रिया कि आज मैं यहाँ हूँ सर। इस आपने सबने मुझे मिलके फेमस किया सर। आज फेमस होना बहुत मायने रखता है एक हाउसवाइफ को, एक फेमस और एक प्लेटफॉर्म सर। तो पहले तो सर मेरे अपलाइन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इसने मुझे ये बिजनेस दिखाया और आज मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और सर आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे मेंटर हैं, गुरु टीचर हैं, हमारे गुरु हैं सर, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और स्पेशली जितने भी पैनल में लोग हैं जिनसे हम सीखे, जैसे प्रिया जी है, किरण मैम है, SS गुप्ता जी है, फिर संजय सर है, फिर योगराज सर है, शेखर सर है, जितने भी लोग हमें काफी सारे लोगों के नाम नहीं पता सर, लेकिन जिससे हम सीखे सबको हम शुक्रिया करना चाहते हैं। क्योंकि आज सर उन लोगों की वजह से हम बहुत अच्छा अब बिजनेस कर रहे हैं। पहले हम कर ही रहे थे, लेकिन अब सर नॉलेज के साथ कर रहे हैं, पहले बिना नॉलेज के कर रहे थे। और सर मेरी टीम का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि टीम की वजह से ही मैं इधर हूँ। और सर आज आपने जो भी पॉइंट दिखे कि पहले हमें हिम्मत खड़ी करना है। आज सर आपने बोला कि आपको आज मुझे आपने बहुत लेट फोन किया था कि आपको आज बोलना है, लेकिन सर मैंने आपको बताया मैं बहुत बिजी थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं जितनी भी जिम्मेदारी लूंगी ना उतना मेरा ही विकास होने वाला है। वंडरफुल। यस, इसलिए मैंने सर वो काम भी निपटा दिए, खाना भी पका दिया, और आज आपने जो टाइम दिया वो टाइम पे मैं हाजिर हो गई सर। तो मुझे वो अच्छा लगा कि आज मैं टाइम पे आई और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर पहले तो हमें प्लान देने के लिए रेडी होना है, हमें प्लान। आज आपने जो 5 बातें सिखाई ना वो मैं शेयर करूंगी सर। पहले तो हम पहले तो हमें हिम्मत दिखानी है, फिर हमें प्लान देने के लिए रेडी होना है, ग्रेट लीडर बनना है, ग्रेट स्पीकर बनना है, फिर हमें कमिटमेंट करना है, और हाँ कमिटमेंट करना है, और हमारे जो भी ग्रुप मेंबर है उसको बोलना है। आज आप कमिटमेंट कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। यस, आज आपने बहुत सारी बातें जो कमिटमेंट आपने पिछले कल की थी वो पूरी कर रहे हैं आप। यस, आप बोल रहे हो, आप बात में कमिट कर चुके हो। और आपने एक बात बोली कि सर अगर मैं मैच लाइक आप यहाँ पे बन रही हूँ, मेरी पहचान बन रही है और मुझे प्रूफ करना है ना। अगर कंपनी है या लीडर आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं तो उस कमिटमेंट को आप पूरा करने जा रहे हो एज ए स्पीकर। यस, कमिटमेंट खुद को करना है सर, और टीम को भी सिखाना है कमिटमेंट करने के लिए, और उसको टीच करना है, और उसको बोलो कि मैं आपको कितनी बार सिखाऊं। अभी जैसे सर अभी क्या होता था, जैसे जब तक उनका प्रोडक्ट खत्म नहीं होता ना हमारे पीछे लगे रहते, लेकिन अभी हमने सोच लिया कि हमको उनको पीछे पहले से पूछना है कि आपको कितनी बार सीखना है, कितनी बार मैं आपको सिखा। हाँ, फार्मूला मिल गया। हाँ तो कितनी बार। यस सर, तो जैसे आगे शेखर सर ने बोलाया था, बताया था ना कि पहले तो क्या जब तक उसका खत्म नहीं होता हमारे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन अभी उसका पैकेज ही ऐसा तैयार करते हैं कि उसमें कुछ आता ही नहीं, खुद को यूज करना होता है। और हाँ उसको आप प्लान शो करना सिखाओ, पहले आप खुद उनको बताओ। सर अभी भी मैं प्लान किसी को दिखाती हूँ ना, तो पहले मैं उनको प्लेटिनम तक का प्लान दिखाती हूँ, बाद में उसको पूछती हूँ आगे का दिखाऊं, तो बोलते हाँ आगे का दिखाओ। तो मैं पहले उनको बोलती हूँ, पहले मैं आप प्लेटिनम तक का तुम मुझे समझाओ, अगर आप मुझे समझाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं आपको आगे का समझाऊंगी, क्योंकि आगे का प्लान वो समझ ही नहीं पाएगा सर। क्योंकि हमारा प्लान ऐसा है कि जैसे एक एक स्टेप जाएगा ना तो ही उसके दिमाग में उतरेगा। जैसे हम हमारी बात करते हैं सर,
अब हम जैसे एक एक स्टेप पे जाते हैं ना सर, उसका नॉलेज मिलता है। अभी तक हमें नहीं पता था, मीटिंग का भी हमें नहीं पता था, हम मीटिंग में आते नहीं थे, लेकिन मीटिंग में आने से सर हमारा खुद का विकास होता है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं सर। और कोई भी हमें, कोई भी लीडर हमें मिलता है तो पहले उनका सुन लेते हैं, बाद में हमारा सुनाते हैं। तो आज मीटिंग की वजह से ये सारा सर हमारे में चेंजेस आया है। और इतना समझाने के बाद वो खुद प्लान देने लगे, फिर उनका प्रोग्रेस, हमें प्रोग्रेस चेक करना है कि क्या ज्वाइनिंग आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो प्रोग्रेस चेक करना है। उसके बाद उसको सर जो अगर ज्वाइनिंग आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने हमारे सामने प्लान दिया है तो उसको क्लैप करके बधाई देनी है, क्या सर? जी जी, प्रोग्रेस ये चेक करनी है हमारे को कि जैसे आपने दो चार प्लान देने के बाद में उससे पूछना है, उनको चेक करना ना, ऐसा तो नहीं है आप प्लान शो कर रहे हो उसके लिए या काम कर रहे हो, वो जाके ना व्हाट्सएप पे कर रहा है या व्हाट्सएप खेल रहा है या पबजी खेल रहा है, रुपए मांग रहा है अपने यार दोस्तों से, आप वहाँ नौकरी में काम कर रहे हो भाई, आप अपलाइन हो, आप मोस्ट रिस्पेक्टफुल इंसान हो, मतलब आप वन नर्सेस कोई भी हो, जो भी अपलाइन अपनी डाउनलाइन के लिए अगर काम करके दे रहा है तो वो उसका बड़प्पन है, उसको थैंक यू करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो ये चेक करना है क्या वो सीख रहा है, उसको सीखना है, चेक करना है। अगर आप चेक नहीं करोगे ना, दस प्लान बाद में क्या बोलेगा, अभी भी सीखने की जरूरत है, अभी सिखाओ, क्यों दस प्लान में ध्यान नहीं दिया, दस प्लान में पबजी खेल रहा था वो, है ना, वो खेल रहा था वो, ये इसलिए चेक करना है। इस चेकअप का मतलब ये है कि बार बार चेक करना है और बोलना भी है, अच्छा आज ना कुछ तू बताइए, वो बोले ऐसे मजे लेते लेते हंसते खेलते सिखाना है, जैसे कल आपने किया था सर, जैसे कल आपने किया था, आप कुछ बताओ, लेकिन आपको सीक्रेट पता चल गया हमारा, क्योंकि सर वीडियो में नहीं आते ना, तो कुछ भी घर का काम करते रहते तो ध्यान इधर नहीं रहता। तो कल की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी जो हमने मिस की थी सर, वो आज हमने अटेंड कर ली, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी भी सर, क्योंकि मुझे कल बहुत बुरा लगा कि सर मैं जब छोटी थी ना, स्कूल में थी, तो मुझे कुछ भी पूछते थे ना तो मैं जल्द से आंसर देती थी, लेकिन कल क्या हुआ, आपने पूछा और मैं, मुझे आंसर ही नहीं पता था, तो क्योंकि मैं यहाँ एब्सेंट थी सर, प्रेजेंट नहीं थी, तो उसके लिए सॉरी सर। और सर कंपनी बहुत अच्छी है, आज हम कहीं पे भी जॉब करेंगे ना सर तो 8-10 घंटा जॉब करनी है, फिर वहां का टाइम उसके उसके हाथों में हमारी डोरी रहती है, वो बोलते हैं वो वैसे हमें करना है, तो यहाँ आप 8 घंटा मत करो सर, सिर्फ 2 ही घंटा करो, और सबसे इजी काम है सर। आज देखो कई सारी लेडीज को मैं जानती थी जिसको कुछ भी पता नहीं सर, आज धीरे धीरे वो गोल्ड होने जा रहे, थोड़ा थोड़ा करके भी गोल्ड होने जा रहे हैं सर। तो सबसे बढ़िया बिजनेस है, और मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं सर। और सर यहाँ से बहुत सारे हमारे ड्रीम्स हैं। हाँ सर, आपने एक पॉइंट वो भी बताया था कि सबको ड्रीम बिल्डर बनाना है, सबको ड्रीम, हमें तो सर कंपनी में आए तब हमारा तो कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन कंपनी ने हमें ड्रीम खुद दिखाए तो हम अब बड़े बड़े ड्रीम देखने लगे सर। अभी तो बहुत बड़ा ड्रीम है कंपनी से वर्ल्ड टूर करना है, बहुत सारी अर्निंग करनी है, विला फंड लेना है। और सर यहाँ एक फैमिली है, जैसे बहुत अच्छी फैमिली, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है सर, जैसे कि सब इतना अच्छा प्यारा बोलते हैं, सब सिखाते हैं, कोई सर कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं सिखाता, हम फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो सबका अच्छे से मैसेज आता है। तो ये फैमिली सर बेस्ट फैमिली है, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि सर इस सब लोगों के हमारा नाता होगा कि सबको यह बात करने का बोलने का मौका मिल रहा है सर। तो सर हम बहुत खुश हैं, और इस कंपनी से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है सर, और आगे अभी हम एक्साइटेड है क्या होने वाला है सर। अभी देखो इस महीने की मैंने 2 दिन पहले ही बात की थी सर, अभी तो 30 तारीख को कमीशन आ गया, बाद में अभी 10 तारीख को भी आएगा, 16 तारीख को भी आएगा, और हमारी जो टूर थी उसका भी पेमेंट आ रहा है, और कार फंड भी हमने अचीव किया उसका भी पेमेंट आ रहा है। तो सर ये महीना तो हमारे लिए सुपर डुपर है। और सर इस महीने तो 5 पेटी का जुगाड़ है आपका, 5 पेटी। हाँ सर, हाँ सर, वो और सर जितना भी आता है ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ा लगता है, और यहाँ 5,000, 2,000, 10,000, 15,000 सर, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ, जब से मैं जुड़ी हूँ ना 2-3 महीना छोड़ के मेरा एवरेज मेरा 3 साल तक 50,000 का तो था ही सर, अभी तो 1 साल से 1 लाख के ऊपर ही जा रहा है। तो सर आज तो
अब मैं मेरे घर घर वाले सब परिवार के लिए तो एक बैंक की तरह हूँ, जिनको भी जब भी चाहिए तब पैसे लेने आते हैं सर। और बहुत और सर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं सबको हेल्प कर सकती हूँ सर, लेकिन इस कंपनी कर रही थी तो हेल्प कर सकती हूँ सर, वरना नहीं कर पाती। और सर बहुत अच्छा लगता है और आप सबका बहुत प्यार हमारे साथ। और बस सर बेटर टीएंस बेटर लाइफ, आई लव यू टीएंस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त सोनल जी, गो गोल्डन लॉयन। अगले एक साल में हम आपको गोल्डन लॉयन के रूप में, नहीं सर उससे पहले यस यस उससे पहले डन। हाँ आपका आपका जज्बा, आपका मेहनत, आपकी हिम्मत और आपका जो ड्रपन है, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि रियली बहुत मजा आता है और यू आर वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ आईडीनेट सिस्टम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो एक और स्पीकर है हमारे बीच में, ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल से लेते हैं, अलग अलग जगह से जी, योगराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और योगराज जी को नींद नहीं आ रही है, इन्होंने रात दिन एक कर दिया है अब कि अगले दो महीने में गोल्डन लॉयन बनना है और पाल जी को डायरेक्टर बनाना है। राइट सर, राइट, बिल्कुल। मैंने बोल दिया आपने अपने लिए नहीं करना है गोल्डन लॉयन, अब हमारे लिए करना है, हमें डायरेक्टर बनना है भाई, बनाओ जल्दी। जी जी वेलकम वेलकम सर वेलकम। जी सर जी, नहीं सर आप तो पहले से ही डायरेक्टर हैं, आप ऑनरी डायरेक्टर भी हैं और हम गोल्ड लाइन नहीं भी बनते तो भी आप डायरेक्टर थे, बट ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं गोल्ड लाइन बनूंगा और आप भी तुरंत डायरेक्टर बनेंगे, तो हम दोनों जो है ऊपर वाले ने प्री प्लान किया था, क्योंकि तो ये जो मौका है ना ये मुझे मिला जीवन में कि आप और हम साथ में जो अपना रैंक चेंज करेंगे एंड हार्ट थैंक्स टू गॉड, इतिहास बन जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। और ये इतिहास हम लिखेंगे विद इन अ टू मंथ जो है हम इसको पूरा करेंगे, जो मिशन है हमारा। बाकी हमारे बीच में शेख साहब भी हैं, अभी शेख साहब का भी कल्याण करेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, शेख साहब को भी बहुत बहुत हमारी बेस्ट विशेस और जल्दी से शेख साहब भी डायरेक्टर की तैयारी में लगे पड़े हैं, तो शेख साहब भी जल्दी से डायरेक्टर आए क्योंकि 2021 में हम भी डायरेक्टर ही मिलेंगे, तो 2021 में बहुत सारे लोग डायरेक्टर जाने वाले हैं। तो मैं वही अभी भी किसी से बात कर रहा था कि हम भले ही गोल्ड थोड़ा लेट बन रहे हैं पर डायरेक्टर हम बहुतों से बहुत पहले बनेंगे और ऐसा मुझे यकीन भी है और हमने प्लानिंग भी की है, वर्किंग भी की है और ये सारी चीजें पॉसिबल है सर जो आपने जूम के थ्रू ट्रेनिंग्स दी है। और सोनल मैडम को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी बीएल है और उनका जो स्पीच है बहुत ही शानदार रहता है हमेशा जो है, एंड जैसे सोनल मैडम हमारे से सीखते हैं तो वैसे हमने सोनल जी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और 2021 में जैसे उन्होंने कहा कि गोल्ड लाइन बनेंगे तो बहुत सारे गोल्ड लाइन सर हम जो है 2021 में बनाएंगे बनेंगे और एक दूसरे के स्पोर्ट से ये सारी चीजें पॉसिबल है। और जैसे अभी सोनल जी ने कहा कि इस समय ना बरसात चल रही है बिल्कुल बाहर है, तो ये पहली बार ऐसा है कि बहुत सारे लोग आज ऐसा कह रहे होंगे कि कोरोना काल में एक्चुअल में दिवाली मना रहे हैं, वैसे तो दिवाला निकालते थे पर इस साल जो है ना ये पहली बार ऐसा है कि कोरोना भी है, इतने सारे प्रॉब्लम से उसके बावजूद जो है ना त्यांस के अंदर बहुत सारे लोग एक्चुअल में दिवाली मना रहे हैं क्योंकि लाखों रुपए की बरसात हो रही है। अभी 29 तारीख को कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया टूर का जो पैसा ट्रांसफर कर दिया, अभी अनाउंसमेंट हो गई है दुबई की, 58,000 रुपए और आ रहे हैं, लैपटॉप हमने क्वालिफाई कर लिया, 3 टूर और पेंडिंग है और सेकंड टाइम कार अचीवर का कार भी अचीव किए सर, तो सेकंड टाइम अभी अचीव हुआ है तो वो भी आएगा, तो नाना करते वही बात है कि 5 पेटी से ऊपर ही जाने वाली है बात। कब आया सर? जी सर जी जी तो, जी सर तो मैं वही कह रहा था कि ये जो है ना एक्चुअल में इस साल बहुत सारे लोग जो है दिवाली को बहुत ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं, तो ऐसे ही जो भी लोग पैनल में हैं कि हर दिवाली उनकी बहुत ही शानदार हो और लाखों रुपए बरसात करे महालक्ष्मी जो है, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और उसके लिए एक ही चीज करनी है कि जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनके ऊपर अनुसरण करना है, पालन करना है और एक साल के अंदर ना जिंदगी बल्ले बल्ले हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है, 360 डिग्री का चेंज आ सकता है क्योंकि इस समय जहां भी जाओगे ना 6th लेन हाईवे है,
और ऐसे टियांस के अंदर जूम के आने के बाद जो है ना मेटलिंग होगी है पूरी। अभी 6 लेन हाईवे बना पड़ा है, तो जिस भी रैंक पे जाना है, जिस भी टारगेट को अचीव करना है, वो बहुत ही आसान हो गया है। यानी कि कईयों दिनों का सफर जो है ना घंटों में तब्दील हो गया है। तो आप सभी जो है अपना गोल सेट करें और अपने टारगेट सेट करें और अपने आप को फोकस करें और आगे बढ़े और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बेटर टियांस, बढ़िया, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, योगराज जी ने बोल दिया। दोस्तों, जैसे कि मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से बार बार कहता भी हूँ और मेरा फर्ज बनता है एज ए एल्डर, राइट, घर के बड़े बुजुर्ग के नाते, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी में बेहतरीन तरक्की करें। हम सब लोग चाहते हैं, बट उसके लिए एक्शन मस्ट है। ये जो कोरोना काल रहा, इस कोरोना काल ने हमें जगाया है। इस कोरोना काल ने ये बताया है कि समय एक जैसा नहीं रहता है। आप सोचिए, कोरोना से पहले लोगों ने जिंदगी बड़ी लाइटली ले रखी थी। जितना मर्जी समझा लो, क्या फर्क पड़ता, हम तो खुश हैं, हम तो ठीक हैं। 2 महीने में बैंड बज गए, 2 महीने में आ गई याद नानी। सोचो आप, 2 महीने बाद ही क्राइम आम शुरू हो गया था मार्केट में। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छों का बैकअप जो है 2 ही महीने का है। पिछला महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना और कहानी खराब। तो पिछले 1 साल में कमर टूट गई है कईयों की, बिल्कुल हालात खराब कर दिए हैं। अब ऐसे लोगों को बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है इससे बढ़िया, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाइए ना। हर आदमी नहीं ज्वाइन करेगा, रिटेलिंग हो जाएगी, रिटेल इनकम बहुत अच्छी है हमारी, डायरेक्ट इनकम बहुत अच्छी है हमारी। अब काम करना नहीं आता है तो आप एक से एक अपलाइन पड़े हुए यहाँ पर, अपनी अपलाइन से बात कीजिए, है ना। और यूट्यूब में जाइए, हमारे जैसे पाल भी बचना एक यूट्यूब चैनल है, उसमें इतनी सारी वीडियो डाल दी हमने। मैं आज देख रहा था 479 वीडियो हो चुकी हैं। तो आप 500 वीडियो होने वाली हैं। अब इतना कुछ डाल दिया उसमें, अलग अलग टॉपिक पे डाला हुआ, सुनते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक ही है, हिम्मत नहीं कर रहे हम। जब हिम्मत करोगे, मैं आपको बता दूं, जब हमें कुछ नहीं आता था ना, हमने जब झंडे गाड़ दिए थे। इसीलिए ठोक बजा के बोल रहे हैं कि हिम्मत से हुआ जो भी हुआ है, कर दिया ना, हो गया ना, खुद को पता नहीं चला हुआ कैसा ही है, हो गया, बन गए। ऐसे आपके साथ भी होने वाला है। सोनल जी बता रहे हैं ना, मैं गुजरात में जाता था तो लोग 1 स्टार होते थे। मैं कहा मार्केटिंग प्लान पता है, कहते नहीं पता। कितने टूर कर दिए? 5 टूर कर दिए, 5-5 बार इंटरनेशनल टूर कर दिए। मार्केटिंग प्लान पता नहीं है, 8 स्टार भी बन गए। पता क्यों? काम करते चले गए, काम करते चले गए, काम करते चले गए, 8 स्टार भी बन गए, टूर भी हो गया, ब्रॉन्ज लाइन भी बन गए, गोल्ड लाइन भी बनेंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे, एसडीडी भी बनेंगे। सोचो आप, तो जो ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं ना, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। तो ये ज्यादा कैलकुलेशन है ना, टाइम से नहीं आना, अगर 2-5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो क्विट कर जाना। अरे थोड़ी सी सफर तो कर लो, हमने 8:30 बोला तो 30-35-40 के बाद जाओ तो बात समझ आती है। कुछ लोग तो 8:30-31 में निकल जाते हैं पत्नी गली, क्या कर लोगे उनका, कुछ नहीं हो सकता है, ऊपर वाला ये मालिक है ना। और कुछ लोग बिजी नहीं होंगे, कोई काम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ 20 दिन जिंदगी में, मैं बोलता 10 दिन ऐसे हो सकते हैं आपकी जिंदगी में जब आप इस टाइम में कहीं ना कहीं इमरजेंसी में फंसे होंगे, तो बड़ा जरूरी काम हो सकता है, मैं आगे रह के मानता हूँ। लेकिन आपकी जिंदगी के 20 दिन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं, आप समझो, 20 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। मैं गाय भैंसे थोड़ी चलाता हूँ, मैं लोगों के साथ ही डील कर रहा हूँ, है ना। तो 20 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप दिखा सकते हो अपनी ये, यस हम बहुत भूखे हैं जी, सीखने के भूखे, सीखना हमें, कामयाब होना है, कामयाबी हमें भूख लग रही है, जल्दी से जल्दी। और दिन में कम्युनिकेशन करिए अपने अपलाइन के साथ, बात कीजिए। ये नहीं सिर्फ वेबिनार में आना है, जो यहाँ सुना आपने, पता चला गलत ट्रांसलेशन कर लिया, मैंने कुछ और समझाया, आपने कुछ और समझा, कुछ और कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। क्रॉस चेक करिए उसको, क्रॉस चेक अपने अपलाइन से। पाल सर ने यही बात समझाई थी क्या? नहीं तो यूट्यूब में जाके इस वीडियो को बार बार सुनिए, और ये इस पॉइंट पे जो लिखा है आपने, ये इस पॉइंट का मतलब जो मैं सोच रही हूँ यही है या कुछ और तो नहीं है? और जिंदगी में सीखना कितनी बार है? 1 बार। तो 1 बार, 2-4-5 साल अपने तपस्या करिए खिलाड़ी की तरह, एक चैंपियन की तरह,
पूरी जिंदगी जिधर को शॉट मारो रन ही रन बनेंगे, कोई सिंगल कभी डबल कभी चौका कभी छक्का, है ना, सेंचुरी कभी मैन ऑफ द मैच, बल्ले बल्ले टीम में जगह पक्की। आपको बोलेंगे भाई साहब ये है क्यांची का लीडर, ये है आईडी नेट का सिस्टम का लीडर, बस ये दो थप्पे लगाने अपनी जिंदगी में कि आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन ऑफ क्यांस, आई एम द चैंपियन ऑफ आईडी नेट सिस्टम, है ना, डायमंड ऑफ आईडी नेट सिस्टम, डायमंड ऑफ क्यांस, आई एम अ डायमंड, हो गया काम। मैं शेर हूं, मैं शेर नहीं हूं, और शेर भूखा रह जाता है, घास नहीं खाता है। जो लोग ज्यादा कंप्रोमाइज करते हैं ना, तो इसलिए ज्यादा मतलब ठीक है एडजस्टमेंट करना है, बट इतना नहीं है, आपने ठान लिया पूरा करना है। तो आज जो हमारे स्पीकर थे सोनल जी थे, और बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया आपको, आप सभी लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे उससे। और कल फिर द्वारा एक और स्पीकर के साथ, एक और गेस्ट के साथ, और जैसे कि मैं आप सभी लीडरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे अपने लीडर के माध्यम से या डायरेक्ट, जिसके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए जो आपका ब्रांड न्यू गोल्ड या प्लेटिनम किसी ने किया है ताजा ताजा, या कोई बहुत अच्छा 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार काम कर रहा है, आप स्पेशली रिकमेंड करो, मैं ताकि इस पैनल में ला के उनका शेयरिंग करा सकूं। तो मैं ये वादा करता हूं आपको कि उस शख्स को मौका मिलेगा। हर रोज मैं चाहता हूं 2-3 लोग ऐसे हों, या गोल्ड हों, प्लेटिनम हों, या अच्छे परफॉर्मर हों, ताकि यहाँ पे बैठी हुई पब्लिक के बीच में थोड़ी सी आग की चिंगारी और लगे, आग भड़के, है ना, ज्वाला भड़के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल शाम को आज की तरह कल फिर एक टॉपिक होगा आपकी कामयाबी के लिए माइलस्टोन, है ना। तो कल शाम को फिर मिलते हैं 6:50 पर। आज के लिए वादा के अनुसार 8:30 बज गए हैं, आपसे इजाजत। बहुत अच्छी रिकवरी की हमने आज, बहुत कुछ किया आज, और कल हम और इम्प्रूव करेंगे। मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और आप लोगों की सलाह, कोई भी मेरे को सलाह देना चाहे, कोई भी सलाह आपका हमेशा वेलकम है। आप मेरे को वॉइस नोट भेज सकते हैं, वॉइस नोट होता ना, समझ गए होंगे आप, मोबाइल में वॉइस ऑन करके मेरे को बोलिए या टाइप करके लिखिए, जैसा मन करे, ठीक है। तारीफ करनी हो तो तारीफ कीजिए, अगर कोई कमी है दूर करिए तो उसको भी बताइए, बताइए पता तो चले कि हम भी कुछ कर रहे हैं या नहीं, है ना। सबको चाहिए, तारीफ के भूखे सारे हैं, रिकग्निशन के भूखे, हम भी इसी चक्कर में, आगे के चक्कर में, पिछले 18 साल से इसी चक्कर में है, तो आगे का भी चक्कर फिक्स है, क्यों, वी वॉन्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, है ना। हमारा टारगेट नंबर 1 की पोजिशन पे है, और उसके लिए जान लगा देंगे, है ना। जान मतलब देना नहीं है, लगानी है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बींग विद मी टूडे, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ क्या बिजनेस, गो गोल्डन लर्न सुन, बटर चांस बटर लाइफ, बटर चांस बटर लाइफ, बटर चांस बटर लाइफ, यू आर अ डायमंड, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।